चलो स्टार्ट करें आर यू रेडी यस और नो ठीक है चलो बेटा सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई ओके हम देखते हैं सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई सबसे ये सेक्शन 15 तीन पार्ट में डिवाइड होता है सेक्शन 15 वन सेक्शन 15 टू और सेक्शन 15 थ्री ठीक है सेक्शन 15 वन जो है यहां पे <coughs> जहां तक टैक्सेबल सप्लाई गुड्स हो या सर्विस हो वैल्यू जो होगी आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी आई रिपीट ट्रांजेक्शन वैल्यू भाई ट्रांजेक्शन वैल्यू यानी क्या प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस तो ये एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअल प्राइस मतलब क्या मतलब यहां पे अगर आप दिन में दस लोगों को सप्लाई कर रहे हो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज तो अगर फर्स्ट को आपने फिफ्टी रुपीज में दिया सेकंड वाले को आपने 80 रुपीज में दिया व्हाट एवर यूर एक्चुअल सेकेंड केस में आपका एटी रुपीज होगा तो एटी रुपीज पे जीएसटी आएगा थर्ड केस में अगर यहाँ हंड्रेड रुपीज में सेल किया तो हंड्रेड पे आएगा तो जो भी एक्चुअल प्राइस होगी उस पर ही जीएसटी लगाया जाएगा चलिए बहुत अच्छी बात है ओके एक्चुअल प्राइस पेड और पेबल यानी कैश से लोगा तो पेड या क्रेडिट से लोगा तो पेएबल ओके okay. पर इसकी दो कंडीशन है गवर्नमेंट कहती है कि हम एक्चुअल प्राइस पे ही जीएसटी लेके वाटर रेट में भी कम ज्यादा जो भी हो लेकिन हमारी दो शर्तें हैं क्या जिसको भी आपने ये प्राइस चार्ज किया है गुड्स और का और कि वो रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए अगर वो रिलेटेड होगा तो फिर हम एक्चुअल प्राइस पे जीएसटी नहीं लेंगे तो वो सिचुएशन में आपका जीएसटी जो है कौन से प्राइस पे लिया जाएगा तो उसके लिए रूल्स अप्लीकेबल है और रूल्स फाइनल लेवल को ही अपलीकेबल है ठीक है तो यहां पे दो कंडीशन है कौन सी दो कंडीशन दे आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइज इज सोल कंसिडरेशन आई रिपीट दे आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइज इज सोल कंसिडरेशन ठीक है अब यहां दो रिलेटेड है नहीं क्या तो रिलेटेड की डेफिनेशन हमने सप्लाई चार्ट में पढ़ी थी ओके okay, रिलेटेड मतलब क्या तो फटाफट -फड़ मैं आपको रिवाइज करवा दू रिलेटेड मतलब कॉमन डायरेक्टर्स ऑफ ऑफिसर्स लीगली रिकग्नाइज एज पार्टनर मतलब सप्लायर और रिसिपियन लीगली रिकग्नाइज एज पार्टनर कई पार्टनर हो गए यर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप या एनी थर्ड पर्सन होल्डिंग मोर देन ट्वेंटी फाइव परसेंट स्टेक इन बोथ ऑफ देम यानी सप्लाय और रिसिपियन में दोनों कंपनी में और या दोनों एंटीटी में किसी तीसरे का ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा स्टेक है वन कंट्रोल द नादर बोथ कंट्रोल बाय थर्ड परसेंट

हाँ, आपको जो भी प्राइस मिल रही है एक्चुअल प्राइस उसके अलावा अदर कंसिडरेशन नहीं होने चाहिए हाँ मतलब क्या मतलब आपको यह कह दू कि यहां पे जो सेवन वन सी के सप्लाई शेड्यूल वन के सप्लाई उसका वैल्यूएशन इससे हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां प्राइस होती ही नहीं है वो फ्री वो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट मतलब सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है तो वो केस में रूल्स लगते हैं और वो सिर्फ फाइनल लेवल को अप्लीकेबल है ओके तो यहाँ पे जहां तक है आ, आपने जो भी प्राइस चार्ज किया वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए चलो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपने जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू लिया है इसमें कुछ एडिशन होगा और ये एडिशन इंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त क्योंकि इसके ये ऐसा चैप्टर है कि जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं और इसलिए ये चैप्टर में से जब आप क्वेश्चनअर सॉल्व करोगे तो एटलीस्ट ओके टेन न्यूमेरिकल्स जरूर सॉल्व करना अच्छे प्रॉब्लम सेलेक्ट करना और पूरा सॉल्व करके देखना नोट्स के साथ आई रिपीट ओके मैं ये कहूंगा कि नोट्स के साथ पूरे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके देखना है ठीक है तो अब बेटा यहां पे आ, आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू में टोटल पांच इंक्लूजन हो गए कौन से पांच इंक्लूजन हो गए सेक्शन फिफ्टीन टू के हिसाब से सेक्शन याद रहे तो बहुत अच्छी बात है क्लॉज एके वो कहते हैं कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस यानी ऑल टैक्सेस लेविड अंडर दिस लॉ अंडर एनी लॉ मतलब आ, जैसे कुछ ऐसे टैक्सेस है जो जीएसटी आने के बाद भी आज लगते हैं आपके सप्लाई ऑफ गुड्स पे या सर्विस पे तो जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो टैक्सेस ऐड करोगे जीएसटी निकालने के लिए एक्सेप्ट जीएसटी जीएसटी खुद इट करोगे जैसे अगर हम बात करें तो टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट पे आज भी एक्साइज ड्यूटी लगती है यह आपको पता है हमने इंट्रोडक्शन रिविजन में देखा था तो अगर समझ लो कोई टोबैको प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग रही है बेसिक प्राइस लेट्स अज्यूम दैट कि यहां पे बेसिक एक लाख रुपए है बेसिक प्राइस एक लाख रुपए है जी उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी और एक्साइज ड्यूटी थर्टी थाउजेंड है तो टोटल कितना हुआ वन लैख थर्टी थाउजेंड तो जीएसटी कितने पे लगेगा तो जीएसटी वन लैख थर्टी थाउजेंड पे लगेगा इज इट क्लियर यानी जो भी टैक्सेस एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडी का हो या म्यूनसिपल टैक्सेस हो या फिर एक्साइज ड्यूटी हो जो भी टैक्सेस अंडर एनी लॉ लग रहा है तो आपको वो वैल्यू में एड कर देना पड़ेगा आई रिपीट वो वैल्यू में आपको एड कर देना पड़ेगा आई होप यू अंडरस्टूड ओके एक्सेप्ट जीएसटी तो ये टैक्सेस आपको एड करने हैं जो भी एक्स्ट्रा लगाया है फॉर वैल्यूएशन पर्पजेस उसके बाद में नेक्स्ट वो कहते हैं क्या थर्ड पार्टी पेमेंट ये थर्ड पार्टी पेमेंट मेरा वर्ड है एक्चुअली वर्ड ऐसे एनी पेमेंट इनकर्ड बाय रेसिपिएंट फॉर वि सप्लायर इज लायबल टू पे मतलब क्या कोई ऐसे चार्जेस है जो सप्लायर ने जिम्मेदारी ली है लेकिन रेसिपिएंट ने इनकर्ड किया है तो वो चार्जेस ओके सप्लायर जब इनवॉइस बनाएगा तो वो इनवॉइस में ऐड करेगा

ओके okay, कुछ रीजन के वजह से ओके okay, जो एड्रेस उसने दिया वहां पे ओके okay, मेरा ट्रक या टेम्पो जाने को रेडी नहीं है तो मैंने रिसिपियंट को कहा देखो भाई तुम्हारा अगर कोई पहचान का होगा तो भेज दो ओके okay, तुम्हारा कोई पहचान का होगा तो भेज दो ओके okay, uh, मैं उतनी प्राइस कम कर दूंगा तो उसने कहा ठीक है तो ट्रांसपोर्टेशन उसने अरेंज किया यानी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रेसिपिएंट कम ऑन कम ऑन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रेसिपिएंट जिसकी लाइबिलिटी किसने ली थी सप्लायर ने ली थी तो ऐसे सिचुएशन में जो भी फ्रेट चार्जेस रेसिपिएंट ने दिए उस उसने देने की वजह से हमने प्राइस कम कर दी समझ लो मेरी प्राइस थी 100 प्लस 10 फ्रेट लेकिन मैंने फ्रेट नहीं लिया 100 ही लिया लेकिन सप्लायर की लाइबिलिटी होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप केस स्टडी या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये जरूर देखना कि सप्लायर सप्लायर इज टू पे की लाइबिलिटी होगी और इनकर्ड बाय बाट तो वो सिचुएशन में ऐड किया जाएगा सप्लायर को इवन दो रिसिपिय ने पेमेंट किया पर वो अपने वैल्यू में ऐड कर देना पड़ेगा डन बेटा उसके बाद में जहां तक देखा जाए कमन 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 यहां पे सभी देखिएगा तो ये सप्लायर को थर्ड पार्टी पेमेंट के चार्जेस ऐड कर देना है उसके बाद में एक दूसरा एग्जाम्पल फ्रेड कह लेता हूँ समझ लो सप्लायर ने एक्स फैक्ट्री या एक्स शॉप सेल किया मतलब क्या मतलब यहां कि भाई मेरे फैक्ट्री से तू लेके जा ट्रांसपोर्टेशन मैं नहीं अरेंज करूंगा तुझे आना पड़ेगा मेरे फैक्ट्री से माल उठाना पड़ेगा तो यहां पर सप्लायर इज नॉट लाइबल टू पे pay, क्योंकि वो लाइबिलिटी नहीं ले रहा है तो ऐसे केस में कस्टमर को जो फ्रेट चार्जेस लगे वो वैल्यू में एड नहीं हो गए ऐड तभी हो फिर वो फ्रेट चार्जेस हो इंस्पेक्शन चार्जेस हो यहां पे कमीशन हो वॉट रेट में भी अगर सप्लायर ने लाइबिलिटी हो ली होगी तो वही वैल्यू में ऐड किया जाएगा फिर वारंटी चार्जेस हो तो जहां तक देखा जाए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया ये एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो ओके पर दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है चलिए ओके इसके बाद में हम देखेंगे इंसिडेंटल एक्सपेंसिस कमॉन 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 कौन सा इंसिडेंटल एक्सपेंसिस बहुत से बार सप्लायर जो है यहां पे सब सेल करता है तो सेल करता है तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगाता है भाई एक्स्ट्रा चार्जेस कौन से पैकिंग हो गया कमीशन हो गया बिल में एक्स्ट्रा लगाता है पैकिंग चार्जेस एक्स्ट्रा कमीशन चार्जेस एक्स्ट्रा या फिर कभी कभी यहां पे लेबलिंग डिजाइनिंग चार्जेस रॉयल्टी वारंटी इंश्योरेंस चार्जेस धर्मदा धर्मदा मतलब वो धर्म के नाम पे चैरिटी के लिए कुछ चार्जेस लगाता है व्यवैन चार्जेस लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस फ्रेट इरेक्शन इंस्टॉलेशन प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जो सेलर एक्स्ट्रा

कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस एड लगाए गए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गए ठीक है तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए गए तो वो भी ऐड किए जाएंगे अब दो वर्ड पे आपका ध्यान ध्यान लाना चाहूंगा कोई इंसिडेंटल टू सप्लाई होना चाहिए मतलब कि आपने सप्लाई किया और उससे रिलेटेड आपने ओके, लेबलिंग चार्जेस पैकिंग चार्जेस कमीशन चार्जेस इंश्योरेंस चार्जेस लगाए तो वो वैल्यू में ऐड हो गए और दूसरा मैं आपको यह कहना चाहूंगा फॉर एनी थिंग डन बाय द सप्लायर anything एनी थिंग डन बाय द सप्लायर का मतलब क्या है समझ लो मैं कोई प्रोडक्ट आपको सेल कर रहा हूं आपने कहा नहीं नहीं सर दिवाली है मुझे गिफ्ट पैकिंग करके दो तो मैंने कहा देखो गिफ्ट पैकिंग करके तो गिफ्ट पैकिंग के एक्स्ट्रा लगेंगे प, पचास रुपए तो अब देखो मैं नॉर्मली गिफ्ट पैकिंग नहीं देता हूं पर आपने कहा और आपने आपके कहने पर मैंने किया एनी थिंग डन बाय एनी थिंग डन बाय द सप्लायर तो अगर कस्टमर के कहने पे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी की गई जिससे चार्जेस लगाए गए वो भी वैल्यू में ऐड हो गए यानी अगर मेरा प्रोडक्ट सौ रुपए का है और आपके कहने पे कम ऑन आपके कहने पे मैं कुछ एनीथिंग डन कर रहा हूं ओके okay, और उसके चार्जेस लगा रहा हूं जैसे गिफ्ट पैकिंग के तो वो पचास रुपए भी वैल्यू में ऐड किए जाएंगे तो ये बहुत सारे एक्सपेंसेस दिए इसलिए जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो एड कर रहे हो वो फिफ्टीन टू बी का है या फिफ्टीन टू सी का है वट इज द डिफरेंस बिटवीन फिफ्टीन टू बी एंड फिफ्टीन टू सी फिफ्टीन टू बी की अगर हम बात करें तो वो सप्लायर नहीं लगा रहा है सप्लायर की जस्ट लाइबिलिटी थी इनकर्ड बाय बायिपियन मतलब क्या मतलब ये कि सप्लायर ने कहा था ये भाई ये चीजें ये एक्टिविटी मैं करके दूंगा ओके okay, यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट करके दूंगा यहाँ कोई भी ऐसे एक्टिविटी जो मेरे सप्लाई के लिए जरूरी है वो मैं करके दूंगा लाइबिलिटी सप्लायर की थी पर खर्चा रिसिपियन ने कर दिया तो सप्लायर को अपने वैल्यू में एड करना बहुत जरूरी है लेकिन ये केस में रिसिपियन कुछ अपने जेब से नहीं कर रहा है ओके okay, यहाँ पे रिसिपियन सप्लायर खुद ही इन में एक्स्ट्रा लगा रहा है तो ख्याल रहे यहां रिसिपियंट आउट ऑफ पॉकेट कर रहा है तो यहां पर रिसिपियंट खुद एक्स्ट्रा लगा रहा है तो सॉरी सप्लायर एक्स्ट्रा लगा रहा है तो सप्लायर ने अपने इनवॉइस में इन रिलेशन टू सप्लायर बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई जो भी एक्स्ट्रा लगाएगा वो वैल्यू में ऐड होगा सर बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम डिलीवरी देते थे गुड्स की या सर्विस देते हैं बाद में हम वारंटी चार्जेस लगाते सप्लाई होने के बाद हम चार्जेस लगाते अगर आप सप्लाई होने के बाद चार्जेस लगा रहे हो दोस्तों तो वो केस में वो फिर वैल्यू में नहीं ऐड होता है उसके लिए सेपरेट डेबिट नोट इश्यू करनी पड़ती है और वो डेबिट नोट में जीएसटी कलेक्ट किया जाता है चलिए वेरी गुड अब आगे बढ़ते हैं ये हमने देखा रिगार्डिंग टू इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ये समझा क्या अगर समझा होगा तो यस कहिएगा और आपको क्या करना है ठोको लाइक ओके मेरी रिवीजन अगर आपको अच्छी लग रही है ओके तो बस आप अपना काम करते रहो मैं आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करते रहूंगा और इस बार अस्सी बार जीएसटी आपके लिए वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन के ही रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा तो चलिए दोस्तों उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट डी इंटरेस्ट लेट फी और पेनॉल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ध्यान से सुनिएगा फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ये क्या है ठीक है डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन तो इसमें हम दो पार्ट देखेंगे इंटरेस्ट लेट फी और पेनाल्टी दो टाइप के इंटरेस्ट जीएसटी में पढ़ने में आते हैं एक इंटरेस्ट ऑन लोन भी देखा था सप्लाई टॉपिक में कि इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस ये सर्विस है बट एग्जम्ट है और हमने कंपोजिशन स्कीम में भी देखा था सभी कैलकुलेशन के लिए इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर दिया जाता है उसके बाद में बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट यहां पर हम अब कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं इंटरेस्ट लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन अब ये डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इसका इंटरेस्ट मतलब क्या मतलब ये है कि मैंने आपको कोई माल बेचा सप्लाई ऑफ गुड्स किया या मैंने आपको कोई सप्लाई ऑफ सर्विसेस किया और आपसे पैसा आना बाकी है कंसिडरेशन बाकी है और आपने ये जो कंसिडरेशन है एक महीने में देना चाहिए पर आपने नहीं दिया आपने दो तीन महीना लगा दिया उसके लिए तो मैंने कहा कहां तो मैं सी बारिफोन भी लेट फी लग जाती है पेनोल्टी लग जाती है सप्लायर हमें लगाता है तो क्या वो उसका क्या होगा क्या वो भी एग्जाम वो क्लॉज डी में एड होता है इंटरेस्ट लेट फी और पेनोल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ये क्लॉज डी में ऐड किया जाएगा और वो टैक्सेबल होगा वो वैल्यू में ऐड होगा लेकिन इससे रिलेटेड तीन पॉइंट्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा ओके okay, और मजा आया तो ठोको ओके okay, ठीक है तो कौन से तीन पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है जब आप इंटरेस्ट जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर प्रॉब्लम में इंटरेस्ट दिया है लेट फी दिया है पेनोल्टी दिया है तो डिफॉल्ट तो एजम्स देना कि वो इंटरेस्ट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है अब इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मतलब क्या मतलब आप टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हो सुनिए आप ध्यान से सुनिए ना आप टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हो ये टैक्सेबल टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हो ओके टैक्सेबल वैल्यू में प्राइस दिया हुआ है एक लाख रुपए आपको प्रॉब्लम में प्राइस दिया एक लाख रुपए आपको कमीशन दिया हुआ है आप कमीशन ऐड कर रहे हो बीस हजार रुपए चलो आप वारंटी ऐड कर रहे हो यहां पे वारंटी ऐड कर रहे हो दस हजार रुपए कोई थर्ड पार्टी पेमेंट होगा इनकर्ड बाय द बायर तो यहां पे थर्ड पार्टी पेमेंट होगा इनकर्ड बाय द बायर तो वो आप ऐड कर रहे हो पाँच हजार रुपये और ये भी कहा है कि आपने इंटरेस्ट लिया है डिले पेमेंट का अब इंटरेस्ट वो कह रहे हैं कितना तो वो कह रहे हैं इंटरेस्ट आपने यहाँ पे लिया आठ हजार रुपये तो अब ख्याल रहे पूरा आठ हजार ऐड नहीं होगा अगर जीएसटी रेट दिया हुआ है जीएसटी रेट दिया है ट्वेल्व परसेंट तो आपको इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन वन टू ओके हाँ ये इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन वन टू इतना जीएसटी आपको एड करना है भाई कैलकुलेटर किधर गया यह होना चाहिए तो कैलकुलेटर है, है, है मतलब आपको एट था एट थाउजेंड यहाँ पे एट थाउजेंड डिवाइडेड बाय ओके वन वन टू इन टू हंड्रेड तो आपका जो भी अमाउंट आएगा ये काम नहीं कर रहा है जाने दो मिनट 8000 डिवाइडेड बाय 112 इनटू 100 तो आपका जो आएगा 7142 करेक्ट वेरी गुड तो आपको 7142 ऐड करना है सर क्या ये इंटरेस्ट के लिए लेना है क्या नहीं इंटरेस्ट होगा लेट फी भी इंक्लूसिव होगा एज वेल एज पेनोल्टी भी इंक्लूसिव माना जाएगा तो चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या कि जब भी आप वैल्यू में लोगे तो नॉर्मली इंटरेस्ट लेट फी और भी कंसिडर एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी तो आपको जीएसटी निकाल के वैल्यू में एड करना पड़ेगा दूसरा इंटरेस्ट लेट फी और पेनोल्टी का टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा तो अगर आप सेक्शन ट्वेल्व सिक्स या थर्टीन सिक्स पढ़ते हो तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा इन अ मंथ वेन सच अमाउंट इज एक्चुअली रिस्यूड या आपको प्रॉब्लम में ये नोट डालना है कि भाई इंटरेस्ट हम वैल्यू में ऐड कर रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी निकाल रहे हैं लेकिन नॉर्मली इंटरेस्ट लेट फी और पेनोल्टी का जीएसटी उस मंथ में पे करना पड़ता है जिस मंथ में आपको इंटरेस्ट लेट फी और पेनोल्टी मिल रही है ठीक है और उसके बाद में जहां तक देखा जाए रेट सर इस अगर इंटरेस्ट पे हम उस मंथ में जीएसटी निकाल रहे हैं, जो मंथ में हमें ये मिल रहा है तो रेट क्या होगा रेट ओरिजिनल इनवाइस के बेस पे अगर ओरिजिनल इनवाइस सप्लाई ऑफ गुड्स का है तो जो भी गुड्स का रेट होगा वो ओरिजिनल इनवाइस सर्विस का है तो जो भी सर्विस का रेट होगा वही रेट से आपका इंटरेस्ट का जीएसटी निकाला जाएगा तो चलो सर ये तो बात हमें बहुत अच्छे समझ में आ गया ओके okay, नेक्स्ट अब हम लास्ट क्लॉज ई की बात करते हैं और वो है सब्सिडी ओके आपको याद होगा तो वो क्या कहते हैं कौन सी सब्सिडी आपको ऐड करनी है सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू तो द प्राइस बाय बाय पर्सन अदर देन गवर्नमेंट चलो ये चार्ट से देखते हैं चार्ट में क्या है सब्सिडी ओके अगर सब्सिडी गवर्नमेंट से मिल रही है तो ये वैल्यू में ऐड नहीं होगा ये हमने कंसिडरेशन के डेफिनेशन में भी देखा और यहां पे बता तो दोस्तों तो ओके नॉट नॉट टू बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर गवर्नमेंट से होगी अगर सब्सिडी गिवन बाय अदर्स होगा आई रिपीट सब्सिडी गिवन बाय अदर्स होगा तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे सब्सिडी लिंक टू द प्राइस होगा तो ही ऐड होगा अगर सब्सिडी नॉट लिंक टू द प्राइस होगा तो ऐड नहीं किया जाएगा अब सर ये बताइए लिंक टू द प्राइस और नॉट लिंक टू द प्राइस इन दोनों में क्या डिफरेंस है ओके okay, तो आपको ये बता दूं कि दोनों में बेटा यहां पे ये डिफरेंस है कि आ, जैसे एक लमसम सब्सिडी मिलती है भाई आप अच्छा काम कर रहे हो लो यहाँ पे दो लाख रुपए अगर लमसम सब्सिडी होगी जो आपके प्रोडक्ट की प्राइस से कनेक्टेड नहीं है या सर्विस के प्राइस से कनेक्टेड नहीं है तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा पर कभी कभी सब्सिडी ऐसी है, है भाई आपके प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है हंड्रेड चलो हंड्रेड में से ट्वेंटी हमारा यानी पर जब भी एक प्रोडक्ट सेल करोगे तो अस्सी आपका ट्वेंटी हम सब्सिडी देंगे तो अगर प्रोडक्ट लिंक सब्सिडी होगी प्रोडक्ट प्राइस लिंक सब्सिडी होगी तो वो ट्वेंटी रुपीज वैल्यू में ऐड किए जाएंगे इवन दो आप कस्टमर से एटी रुपीज ले रहे हो नाउ प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि आप की सब्सिडी ऑलरेडी वैल्यू में इंक्लूडेड है या बहुत सी बार ऐसे वर्ड आते हैं कि गिवन प्राइस एडजस्टेड विद सब्सिडी अब एडजस्टेड विद सब्सिडी मतलब उसमें से सब्सिडी निकाल दी है अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी निकाल दी है तो अच्छी बात है लेकिन अदर की सब्सिडी होगी तो आपको वो वापस ऐड करनी पड़ेगी तो वर्डिंग्स के तरफ ध्यान देना बहुत सी बार आता है कि गिवन तो प्राइस कंसीडरिंग कंसीडरिंग द द सब्सिडी विदाउट सब्सिडी एडजस्टेड विद सब्सिडी तो, तो, तो वर्ड्स केयरफुली देखो और ये प्रॉपरली लिखो उसका एक प्रॉपर चार्ट बनाओ कि वर्डिंग्स कैसे है ओके और हमें क्या एडजस्टमेंट करनी है तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इस बात का आपको पूरा ध्यान देना है समझा होगा तो यस आपको क्या आपको पता है तो चलिए यहां पर हमने यह देखा सब्सिडी अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे और वह डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा क्या बिल्कुल अब लॉ क्या कहता है एनी डिस्काउंट अब भाई नाम कुछ भी हो नाम कुछ भी हो एनी डिस्काउंट गिवन बिफोर बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई देखो सप्लाई करने के पहले या सप्लाई जिस दिन कर रहे उस वक्त अगर आप डिस्काउंट दे देते हो तो नाम कुछ भी हो कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट टर्न और डिस्काउंट डिस्काउंट वारंटी डिस्काउंट वॉट एवर इट मे भी डिस्काउंट का डिडक्शन मिल जाएगा डिडक्टिबल फ्रॉम वैल्यू ओके लेकिन आपको यह डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा ठीक है उसके बाद में लेकिन आपका डिस्काउंट जो होगा डिस्काउंट इज गिवन आफ्टर सप्लाई तो गवर्नमेंट कहती है रुको 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 इसमें लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगर सप्लाई के बाद डिस्काउंट दिया जा रहा है तो हमें बताओ क्यों दिया भाई पहले क्यों नहीं दिया सप्लाई के, के बाद दे रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना कोई कैश में एडजस्टमेंट तो नहीं कर ली ना तो नहीं अब देखो सप्लाई के बाद अगर डिस्काउंट होगा तो हम डिडक्शन देंगे पर कुछ शर्तें हमारी क्या वो अग्रीड था अगर पहले से अग्रीड था तो आगे बढ़ेंगे अगर पहले से वो अगर ऑलरेडी अग्रीड नहीं था नॉट अग्रीड मतलब ना इनवॉइस में कहीं लिखा था ना एग्रीमेंट में कहीं लिखा था और वो अग्रीड नहीं था तो अगर अग्रीड नहीं होता तो आपको डिस्काउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा इसलिए प्रॉब्लम में जब भी डिस्काउंट आए तो ये देखना कि वो अग्रीड था या नहीं था अगर अग्रीड नहीं था तो डिस्काउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर वो ऑलरेडी अग्रीड था सुनिए ऑलरेडी अग्रीड था तो वो फिर दो और कंडीशन लगेगी क्या वो लिंक टू द इनवाइस क्या वो डिस्काउंट बताया जा रहा है कौन सा इनवाइस इंपॉर्टेंट है मतलब क्या जो भी पोस्ट डिस्काउंट है जिसे मैं पोस्ट रिमोवल और आफ्टर रिमोवल डिस्काउंट कहता हूं ये डिस्काउंट का डिरेक्शन तीन शर्तों पे मिलेगा कम ऑन मेरे साथ यहां पे देखो कौन सी शर्त वो अग्रीड होना चाहिए लिंक टू द प्राइस होना चाहिए लिंक टू द इनवॉइस होना चाहिए और आपके रिसिपियंट ने जो पूरी इनवॉइस का आईटीसी ले लिया था तो डिस्काउंट का जो प्रोपोर्शनेट आईटीसी आता है उसको रिवर्स करना पड़ेगा क्यों क्योंकि आपने ओरिजिनल इनवॉइस तो फुल वैल्यू का दे दिया और उसके बाद डिस्काउंट दे रहे हो तो आपको डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा आपका उतना टैक्स कम कर दिया जाएगा लेकिन आपके रिसिपियंट ने उतना प्रपोर्शन डिस्काउंट जो है ओके okay, वो रिवर्स करना चाहिए अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको पोस्ट रिमोव डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा समझा क्या बेटा ओके okay, पूरा याद आया क्या याद आया होगा तो यस yes, ठोको यहां पे चलिए उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आए थे स्टैगर्ड डिस्काउंट जैसे बाय मोर सेव मोर ए ऑफर पहला कस्टमर आया भाई तुझे कितना डिस्काउंट चाहिए ओके तूने कितने क्वांटिटी ली चल दस परसेंट डिस्काउंट दूसरा आया ओके okay, तूने अच्छा इतनी सारी क्वांटिटी ली ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट तीसरा आया उसने बल्क में लिया फोर्टी परसेंट डिस्काउंट क्या मैं ऐसे स्टैगर्ड ओके okay, अलग अलग डिस्काउंट दे सकता हूँ यस yes, दे सकता हूँ ओके okay, कोई मतलब वैल्यू ट्रांजेक्शन वैल्यू हर ट्रांजेक्शन की वैल्यू अलग हर ट्रांजेक्शन के डिस्काउंट अलग इसलिए मैं अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग डिस्काउंट दे सकता हूं अगर वो इनवाइस में बताया जा रहा है तो मैं वो एक्सक्लूड किया जाएगा उसके बाद में पीरॉडिक और एंड डिस्काउंट कभी-कभी क्या में जब में देता हूं एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं देता हूं एट द टाइम या बिफोर सप्लाई नहीं देता हूं इयर एंड डिस्काउंट देता हूं इयर एंड डिस्काउंट मतलब क्या कि भाई देखो ओके okay, यहां पे बिजनेस करो कस्टमर को कहता हूं मेरे डीलर है कस्टमर तुम भी आगे बेचो जितना माल उठाओगे मैं ईयर एंड में या हाफ ईयर एंड में देखूंगा और आपको एक साथ डिस्काउंट पास ऑन करूंगा तो क्या ईयर एंड डिस्काउंट या पीरियड का डिरेक्शन मिलेगा? Yes, मिलेगा लेकिन आपको एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं दिया था बाद में दिया था क्या अग्रीड था हाँ अग्रीड था क्या लिंक टू द इनवाइस है हाँ हर इन्वॉइस से रिलेटेड हमने बताया हुआ है क्या वो रिसीपी आई टी रिवर्स किया है हाँ. अगर ये सारी कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो

हमने यहां पे सेक्शन 15 वन फिफ्टीन टू और 15 थ्री कंप्लीट किया अब आपको अपना काम करना है मैंने अपना काम कर दिया है आपको क्या करना है ओके okay, क्वेश्चनर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। दस क्वेश्चंस ऐसे उठाना है जो पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक आपको सॉल्व करके देखना है पर इजी वाले नहीं ओके यहां पर इजी okay, वाले नहीं आपको जो है ओके okay, पूरा पढ़ लेना है और उसमें जो टफ क्वेश्चन है वो उठाना है और वैल्यूएशन पे क्वेश्चन आया तो मार्क्स छोड़ने नहीं है चलिए दोस्तों तो ये हमने देखा यहां पे 51 15 टू 15 थ्री नीचे कुछ इंपॉर्टेंट सीबीआई क्लैरिफिकेशन है अब ये क्लैरिफिकेशन में मैं कह दू कि यहां पर ठीक है जस्ट मिनट अब देखिए ये जो क्लैरिफिकेशन है मैं पढ़ा रहा हूं पहला दूसरा और तीसरा इंटर लेवल पे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आप समझ लो पर मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन पूछेंगे हाँ आपके मटेरियल में है पहला और दूसरा ओके पर समझ लो अगर आ गया तो यू आर रेडी और मैं बैठा हूं ना समझाने के लिए तीसरा वाला क्लैरिफिकेशन जो प्योर एजेंट पे है तो इंटर लेवल के स्टूडेंट जो है इसको स्क्रैच कर दे इंटर लेवल के स्टूडेंट इसको स्क्रैच कर दे लेकिन अभी मैं आज के सेशन में पढ़ा लूंगा तो समझ लो अदरवाइज आपको वो अपलीकेबल नहीं होगा इसलिए इंटर लेवल के स्टूडेंट इसको स्क्रैच कर दे चलो स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक क्लैरिफिकेशन आपको समझा देता हूं पहला क्लैरिफिकेशन ओके यहां पर देखिए

टाटा मोटर्स ने और वो मोल्ड और डाय खरीद कर ओके okay, भेजे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर उसके सप्लायर के टाटा मोटर्स के छोटे छोटे सप्लायर्स हैं सप्लायर्स को ये भेज दिए कि भाई ये मोल्ड लो ये डाय लो और मुझे पिस्टन्स बना के दो ओके okay, तो सप्लायर को फ्री ऑफ कॉस्ट भेजे लो फ्री ऑफ कॉस्ट लो और मुझे पिस्टन्स बना के दो तो पहला सवाल क्या ये जो टाटा मोटर्स ने मोर्ड्स और डाय खरीदे थे और फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किए किसको फ्री ऑफ सप्लाई किए अपने सप्लायर को जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करके दे रहा है सीएम मतलब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करके दे रहा है तो ये फ्री ट्रांसफर करना सप्लाई बोला जाएगा क्या तो सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन कहता है आगे मैं पता होगा सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन कहता है कि नहीं ये सप्लाई नहीं बोला जाएगा क्योंकि इसमें कंसिडरेशन ही नहीं है टोटली फ्री दिया हुआ है टोटली फ्री दिया है तो अब देखो हाँ, मैं मानता हूं कि एनी सप्लाई विदाउट कम ऑन एनी सप्लाई विदाउट विदाउटरेशन जो है कि कुछ केसेस में सप्लाई बोला जाता है पहला परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आई टी टेकन क्या इन्होंने परमानेंट दिया नहीं ये वापस आएगा मोर्ड्स और डाइस कंपोनेंट बना के इसलिए क्लॉज वन में नहीं आता है रिलेटेड को या डीम डिस्टिंग पर्सन को दिया नहीं प्रिंसिपल एजेंट है नहीं

ओके okay, हाँ ये बहुत सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखो इसके एंगल से देखना अब ये जो अपना कंपोनेंट बना रहा है जिसका इन्वाइस बना रहा है जिसकी वैल्यू दो लाख रुपए है अब लॉ क्या कहता है कि जब ये वैल्यूएशन करेगा तो 15 मंथ में ट्रांजैक्शन वैल्यू ली जाएगी इसके एंगल से देखना तो ट्रांजैक्शन वैल्यू दो लाख रुपए ली जाएगी प्लस फिफ्टीन टू बी में सॉरी फिफ्टीन टू क्लॉज ए बी और सी में एड हो गया तो फिफ्टीन टू ए फिफ्टीन टू ए में टैक्सेस ठीक है नहीं है फिफ्टीन टू बी हाँ, अब 15 टू बी जो है कहता है कि कोई ऐसा खर्चा जो सप्लायर ने करना चाहिए था बट इनकर्ड बाय ओके जो सप्लायर ने करना चाहिए था इनकर्ड बाय तो अब देखो यहां यहां पे पे क्या हो गया डिपार्टमेंट का ये कहना था कि भाई कंपोनेंट बनाने के लिए मोल जरूरी लगता है तो मोल सप्लायर ने लाना चाहिए था मोल सप्लायर ने लाना चाहिए था पर इनकर्ड बाय रिसिपियन टाटा मोटर्स इसलिए मोल की वैल्यू इसमें एड होगी तो ऐसे केस में सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन ने कहा नहीं नहीं ओके ये इंडस्ट्री के फेवर में दिया कि अगर ओरिजिनली टाटा मोटर्स ने लाए होंगे और फ्री सप्लाई किए होंगे कंपोनेंट बनाने के लिए तो वो जो है सेक्शन 15 टू बी में ऐड नहीं होगा वो ओके okay, सप्लायर की लाइबिलिटी नहीं मानी जाएगी क्योंकि नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन में ऐसा होता है कि भाई तुम मोल्ड दे दो मैं बना के देता हूं आप उसका मेरे को स्ट्रक्चर दे दो मैं बना के देता हूं तो ऐसे केस में वो लाइबिलिटी सप्लायर की नहीं मानी जाएगी और कम ऑन कंक्लूजन क्या आया कंक्लूजन आया कि ये मोल्ड की वैल्यू उसमें एड नहीं होगी सेक्शन फिफ्टीन टू बी में और ओके टाटा मोटर्स उसका आई कंटिन्यू करेगा तो इसमें तीन बातें थी पहला क्या जो फ्री दिया जो फ्री दिया क्या वो सप्लाई माना जाएगा नहीं ओके okay, दूसरा क्या कंपोनेंट जब बना के टाटा मोटर्स को दिया जाएगा तो क्या उस वैल्यू में मोल्ड की वैल्यू ऐड होगी क्या नहीं क्योंकि लाइबिलिटी सप्लायर की नहीं थी तीसरा क्या ये मोल्ड का जो जीएसटी लग गया इसका आईटीसी कौन लेगा तो इसका आईटीसी टाटा मोटर्स लेगा समझा होगा तो ठीक नहीं तो जितना पढ़ाया उतना समझ लो बस दैट्स ऑल इससे ज्यादा मैं रिविजन में नहीं ले सकता हूं तो देखो वो क्या कहते नॉट अ सप्लाई सप्लाई नहीं बोला जाएगा ओके एज नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व आई टी सी नो नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ मतलब टाटा मोटर्स ने जो आई टीसी ले लिया वो कंटिन्यू रहेगा उसका आई टी सी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है और वैल्यू ड नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई एज कॉस्ट ऑफ मोल्स और डाई इज नॉट इंकर्ड बाई सीएम इफ मोल्स एंड डाई सेंड टू फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यू फॉर वैल्यू फॉर सीएम जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है उसके लिए वैल्यू क्या होगी तो उसके में मोल्ड और डाइस की वैल्यू ऐड नहीं होगी लेकिन एक दूसरा सवाल है दूसरा थोड़ा इसको मोल्ड करके पूछा गया सवाल और सवाल क्या पूछा गया फ देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफेक्चर यहां ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चर कौन है ओके okay, वो है टाटा मोटर्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफेक्चर ओके और वो टाटा मोटर्स है जो ओरिजिनल कंपोनेंट बना रहा है कार जिसका कंपोनेंट बना के दे रहा है सप्लायर यानी ये सीएम है सप्लायर सीएम है कंपोनेंट मैन्युफेक्चर अब ध्यान से देखिएगा यहां पर यह जो है अगर दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होगा If there is a contract between and and CM CM, for supply of component made by using molds dies belonging to ऐसा हाँ, contract होगा कि भाई mold मैं लाता और supplier ने बोला होगा कि भाई mold मैं लाता हूँ लेकिन एक काम करो आप मुझे खरीद के दे दो लाइबिलिटी मेरी कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है और सप्लायर ने लाइबिलिटी ली है जिसका खर्चा recipient ने किया है तो अब अब आंसर बदल जाएगा सप्लायर ने अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किया होगा लाइबिलिटी ली होगी मोल्ड्स और और डाई की ओके दैट इनकर्ड बाय रिसीपिएंट किसको इनकर्ड हुआ टाटा मोटर्स को तो ऐसे सिचुएशन में फिर जब ये दो लाख का वैल्यू कंपोनेंट का होगा तो उसमें ऐड किया जाएगा अगर समझा होगा तो ठोको लाइक समझा होगा तो ठोको लाइक पहले ही कह देता हूं ओके ये फाइनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है क्लैरिफिकेशन पर इंटर लेवल पे आपको समझा होगा तो ठीक ओके और नहीं तो ओके और मैं फिर से ये कह रहा हूं ठीक है फिर से ये कह रहा हूं कि बस यहां तक ही टॉपिक कॉमन रहेगे, इसके बाद स्प्लिट हो जाएंगे, इसके बाद स्प्लिट हो जाएंगे, चलो तो ये हमने देखा उसके बाद में सेकंड क्लैरिफिकेशन आ जाओ समझा क्या यस बोलो समझा क्या यस बोलो यस तो टाइप करो नालायक हो चलिए नेक्स्ट वेदर

थोड़ा ये से मैं समझाना चाहूँगा एग्जाम्पल एक, एक है और ये मोबाइल शॉप वाला जो है मोबाइल बेच रहा है एक कस्टमर को बेच रहा है मोबाइल सोल्ड अंडर द इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी और वो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी में दे रहा है आई रिपीट वो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी में दे रहा है कि भाई यहां पे <coughs> मैं मोबाइल सेल कर रहा हूँ इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है जिसमें उसकी बेसिक प्राइस चालीस हजार है और वो इंस्टॉलमेंट में दे रहा है इसलिए अपना इंटरेस्ट भी लगा रहा है उसके ऊपर देखो एक होता है नॉर्मल इंटरेस्ट और एक होता है पिनाल इंटरेस्ट आई रिपीट एक होता है नॉर्मल इंटरेस्ट और एक होता है पिनाल इंटरेस्ट हम जो बात कर रहे हैं वो पिनाल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ओके पिनाल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं देखो तो अब क्या होगा उसने इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दिया इसलिए मोबाइल की जो बेसिक प्राइस होगी चालीस हजार उस पर इंटरेस्ट लगा चार हजार तो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी तो टो टोटल फोर्टी फोर थाउजेंड में उसको सेल किया फिर वो इंस्टॉलमेंट में दे रहा है क्या ये बेसिक इंटरेस्ट ऐड होगा बिल्कुल ऐड होगा सेक्शन फिफ्टीन टू बी के हिसाब से कमा सेक्शन फिफ्टीन टू बी के हिसाब से ओके okay, ये जो चार कंसीडरेशन लेना था चालीस हजार वो इंस्टॉलमेंट में कंसीडरेशन दे रहा था यानी डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन था उसका ये इंटरेस्ट कहा जाएगा और ये सेक्शन फिफ्टीन टू डी में एड किया जाएगा चलिए ओके okay, ये एड किया जाएगा डन उसके बाद में यहां पे अब आता है पेनअल इंटरेस्ट अब देखो कभी-कभी क्या होता है कि उसने जो इंस्टॉलमेंट देनी चाहिए थी कम ऑन उसने जो इंस्टॉलमेंट देनी चाहिए थी उसको लेट कर दिया अच्छा इंस्टॉलमेंट में भी लेट कर दिया तो ऐसे केस में उसके ऊपर पेनल्टी पेनअल इंटरेस्ट लगाया गया ओके okay, लेट फी या पेनअल इंटरेस्ट लगाया गया तो क्या ये पेनअल इंटरेस्ट भी ऐड होगा तो क्लेरिफिकेशन आया कि यस ये पेनअल इंटरेस्ट भी इस आपके सप्लाई का ही पार्ट माना जाएगा वो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ही माना जाएगा और ओके okay, तो तो उसका बेसिक इंटरेस्ट भी सेक्शन फिफ्टीन टू डी में ऐड होगा और उसका पिनाल इंटरेस्ट भी सेक्शन फिफ्टीन टू डी में ऐड होगा लेकिन दूसरा एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल यह है कि भाई मोबाइल शॉप वाला मोबाइल बेच रहा है चालीस हजार में कस्टमर को और कस्टमर को इंस्टॉलमेंट चाहिए तो मोबाइल शॉप वाला कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता भाई मैं मैं नहीं दे सकता इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी ओके तू क्या कर बजाज फाइनेंस का शॉप वहां पे काउंटर है हाँ तुझे बजाज फाइनेंस का फाइनेंस मिल जाएगा तो ये बजाज फाइनेंस एक थर्ड कंपनी है जिसका फाइनेंस मिल रहा है अब ये कस्टमर क्या कर रहा है कस्टमर इसके साथ चालीस हजार का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और बजाज फाइनेंस से अलग लोन ले रहा है लोन ले रहा है अब देखो दोनों में फर्क क्या है दोनों में यह है कि यहां सप्लायर खुद ही इंस्टॉलमेंट दे रहा था तो ये इंस्टॉलमेंट देना यह सप्लाई का पार्ट है उसका इंटरेस्ट लगाना सप्लाई का पार्ट है और उसका पिनाल इंटरेस्ट भी आपके सप्लाई का पार्ट माना जाएगा ओके लेकिन अगर ये कस्टमर ओके सप्लायर से चालीस हजार में ले रहा है और बजाज फाइनेंस से सेपरेट एग्रीमेंट कर रहा है कुमान बजाज फाइनेंस सेपरेट एग्रीमेंट कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में अब देखो लोन किसने दिया इंस्टॉलमेंट किसने दी फाइनेंस कंपनी ने दी थर्ड पर्सन ने दी तो उसको लोन दिया चालीस हजार का बेसिक इंटरेस्ट लगाया जा रहा है चार हजार अब बजाज फाइनेंस जो बेसिक इंटरेस्ट लगा रहा है चार हजार ओके ये किसका लगा रहा है ये सप्लाई का लगा रहा है या लोन का लगा रहा है ये लोन का लगा रहा है तो ये चार हजार रहेगा दोनों में फर्क है दोनों में फर्क है ये जो चार हजार लगाए जा रहे हैं ये एज अ पार्ट ऑफ सप्लाई डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा और ये वैल्यू में एड होगा लेकिन ये जो इंटरेस्ट लगाया जा रहा है वो एक फाइनेंस कंपनी है वो लोन दे रही है उन्होंने कोई मोबाइल नहीं दिया उन्होंने रही है और लोन का इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट जो है एग्जाम रहेगा फिर बात आती है उसका पिनाल इंटरेस्ट अब कभी कभी क्या होता है आ, बैंकिंग कंपनी भी आपने अगर इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो आपको पिनाल इंटरेस्ट लगाती है तो वो पिनाल इंटरेस्ट भी क्या वैल्यू में ऐड होगा नहीं वो भी वैल्यू में ऐड नहीं होगा ओके वो भी एग्जम रहेगा मतलब एक लाइन में कहूं तो अगर सप्लायर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दे रहा है तो उसका बेसिक इंटरेस्ट भी ऐड होगा और पिनाल इंटरेस्ट भी ऐड होगा और अगर यहां फाइनेंस कंपनी अलग से दे रही है तो वो लोन का इंटरेस्ट माना जाएगा तो मेन इंटरेस्ट भी एग्जाम और उसका पिनाल इंटरेस्ट भी एग्जाम माना जाएगा समझा होगा तो ठोको लाइक। बस इससे अच्छा मैं नहीं समझा सकता हूं आपको ओके okay, ये तो रिविजन है बेटा रिविजन में कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की दो लाइन में अगर आपको ये पढ़ा दू तो ये दो लाइन दो लाइन में पढ़ा दू तो देखो ओके सेलर गिवन इंस्टॉलमेंट हिट हिमसेल्फ सेलर ने खुद ही इंस्टॉलमेंट दे दिया तो एडिशनल और इंटरेस्ट वो वैल्यू का पार्टी पार्टी बोला जाएगा लेकिन अगर थर्ड फाइनेंस कंपनी ने यहां पर लोन दिया तो वो केस में सच पिनल इंटरेस्ट एग्जाम रहेगा सब फिनल इंटरेस्ट एग्जाम रहेगा चलिए यह आपको समझ में आया फिर एक सवाल है कि ये इंटरेस्ट लगाना क्या ये टॉलरेंस चार्जेस माने जाएंगे नहीं आपको याद होगा तो सेकंड शेड्यूल में टॉलरेंस

ये थर्ड क्लरिफिकेशन जो है इंटर लेवल के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है वो आप कैंसिल कर सकते हो सिर्फ फाइनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है ठीक है हा अब देखो एयरपोर्ट ऑपरेटर और लाइसेंसी एयरपोर्ट ऑपरेटर मतलब यहां पे जिसका एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया है ओके तो एयरपोर्ट ऑपरेटर है मुंबई का एयरपोर्ट है मतलब जो एयरपोर्ट चला रहा है एयरलाइन कंपनी जहाँ बहुत सारी एयरलाइंस uh, कंपनी की फ्लाइट्स लैंड होती है इंडिगो है स्पाइस uh, जेट है वगैरह एक्सेट्रा ओके okay, अब देखो क्या होता है एयरपोर्ट ऑपरेटर जो है यहाँ पे या सहारा वगैरह होगा जो भी एयरपोर्ट होगा या अदानी के एयरपोर्ट हो गए एयरपोर्ट ऑपरेटर है एयरलाइन कंपनीज है तो जो भी पैसेंजर्स आते हैं पैसेंजर्स से वो कुछ फीस लेते हैं ओके okay, यहाँ पे और फीस होती है ओके okay, पैसे यहाँ पे पी या यू क्योंकि अब पी एस आई और यू डी एफ क्या पी एस आई और यू डी एफ एने यहाँ पे पैसेंजर सर्विस फीस और यूजर डेवलपमेंट फीस भाई एयरपोर्ट पे पैसेंजर आते हैं तो वो भी तो जगह यूज कर रहे हैं एयरपोर्ट की तो एयरपोर्ट अथॉरिटी एयरपोर्ट ऑपरेटर या लाइसेंसी जो है वो हर पैसेंजर से पैसा लेता है पर अब उनको डायरेक्ट लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट पैसेंजर से कनेक्टेड नहीं है तो कौन कनेक्टेड है पैसेंजर से एयरलाइन कंपनी क्योंकि टिकट कहां बुक हो रही है एयरलाइन कंपनी तो ये एयरपोर्ट ऑपरेटर एयरलाइन कंपनी को कहते हैं कि देखो ओके हमारे जो दो चार्जेस है ओके पीएसएफ या यूडीएफ पैसेंजर ओके या, या यहां पे यूडीएफ चार्जेस ये डेवलपमेंट चार्जेस आप पैसेंजर से ले लो हमारे भी आप पे और हमें दे दो तो अब क्या करते एयरलाइन कंपनी जब टिकट बुक करती है तो वैल्यू ऑफ टिकट पांच हजार है और पैसेंजर के पीएसएफ या यूडीएफ दो सौ रुपए एक्स्ट्रा लेती है लेकिन अब वो ये पी और यूडीएफ अपने लिए ले रही है क्या नहीं अपने लिए नहीं ले रही है और कि किसी के बिहा पे ले रही है तो ऐसे केस में जब आप टिकट की वैल्यू कंसीडर करोगे सुनना जब आप टिकट की वैल्यू कंसीडर करोगे तो क्या ये 200 वैल्यू में टिकट की वैल्यू में ऐड होगा क्या अरे लॉ तो ये कहता है कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा चार्ज किया तो वो वैल्यू में ऐड होना चाहिए नहीं ओके एक कंसेप्ट है रूल थर्टी फोर का प्योर एजेंट ओके रूल फाइनल लेवल को अप्लीकेबल है तो यहां रूल फोर थर्टी फोर का प्योर एजेंट तो यहां पे क्लैरिफिकेशन ये कहता है कि ये पीएसएफ और यूडीएफ चार्जेस ये एयरलाइन कंपनी के वैल्यू में एड नहीं हो गए ओके okay, ये जो पीएसएफ और यूडीएफ चार्जेस है ये एज अ प्योर एजेंट डिडक्टेबल हो यानी एयरलाइन कंपनी जो जीएसटी पे करेगी वो पांच पे पे करेगी पांच पे पे नहीं करेगी ओके okay, उसके बाद में इस पे जीएसटी कौन देगा तो एयरपोर्ट ऑपरेटर जीएसटी देगा ओके okay, और वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा ओके नेक्स्ट यहां पे ओके okay, अब एयरलाइन कंपनी क्या कहती है कि देखो तुम्हारे बिहार पे हमने पैसा लिया पैसेंजर से तो कुछ तो पैसा हमें दो ना कलेक्शन फीस क्योंकि हमारी मेहनत लगी हमारा स्टाफ लगा ये आपके दो सौ रुपए लेने के लिए तो पांच रुपए कलेक्शन फीस तो दो तो सीबीआईसी बी आई क्लैरिफिकेशन ही कहता है कि एयरलाइन कंपनी अगर ये चार्जेस लेने के लिए कुछ अपनी कलेक्शन फीस लेती है ऑपरेटर से तो वो उसकी सर्विस मानी जाएगी उसके ऊपर जीएसटी लगेगा और वो जो जीएसटी लगेगा उसका क्रेडिट एयरपोर्ट ऑपरेटर को भी मिल जाएगा तो ये क्लैरिफिकेशन था यह आप रीड कर सकते हो तो इस तरह से हमारा जो है यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 वन फिफ्टीन टू फिफ्टीन थ्री और कुछ क्लैरिफिकेशन यहां एंड होते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई पे हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई पे क्या देखा था देखिए बेटा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे हमने सेक्शन 15 जो है ओके यहाँ सेक्शन 15 वन फिफ्टीन टू और सेक्शन 15 थ्री डिस्काउंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख लिए थे साथ साथ में हमने कुछ डिस्काउंट की स्पेशल सिचुएशंस भी देख ली थी और नेक्स्ट जो है सी बी आई वो भी हमने यहाँ पे देख लिया था चलिए अब आते वैल्यूएशन रूल्स पे ओके okay, तो ये क्या है सेक्शन फिफ्टीन फोर और फिफ्टीन फाइव सेक्शन फोर क्या कहता है इफ तो आपको करना क्या है आपको एक बात बता दूं यहां पे दोस्तों वन जो है वो कहता है कि कोई भी सप्लाई का वैल्यू ट्रांजेक्शन वैल्यू लिया जाएगा अगर वो रिलेटेड नहीं हो और प्राइस इज सोल कंसिडरेशन होम और ख्याल रहे फिफ्टीन टू की एडजस्टमेंट तभी होगी जब 151 में टीवी एक्सेप्ट होगी नाउ अब ऐसी कौन सी नहीं, तो नहीं हो पाता है पहला ओके सप्लाई विदाउट प्राइस मतलब यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन है और सप्लाई मतलब उसमें कंसिडरेशन ही नहीं है प्र, प्राइस ही नहीं है मतलब सेक्शन सेवन सी uh, के सप्लाई जो शेड्यूल के सप्लाई चार पैराज हमने देखे थे दूसरा हमने यहां देखा था यहां पे। uh, दूसरा हमने देखा था रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन चलो फटाफट यहां पे रिवाइज कर लेते हैं अब पूरा ध्यान देना आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गए तो वो सिचुएशन में uh, सेक्शन फिफ्टीन वन अप्लाई नहीं होगा और विदाउट कंसिडरेशन या अदर कंसिडरेशन होगा तो प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी फिर यह सिचुएशन में वैल्यूएशन कैसे होगा यह सिचुएशन में सी जी एस टी टू थाउजेंड यूज किए जाएंगे इसमें तीन रूल दिए सेवन ट्वेंटी एट और ट्वेंटी नाइन ओके okay, और आगे थर्टी थर्टी वन ये रूल्स लर्न कर लेना इसके ऊपर केस स्टडी या यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं इसलिए ये सेशन के बाद यहाँ जो क्वेश्चन है questionnaires में रिलेटेड जो भी केस स्टडी या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो पढ़ लो और उसमें इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन हो वो मार्क कर लो चलिए अब मैं आता हूं रूल ट्वेंटी क्या कहता है रूल ट्वेंटी सेवन ये कहता है इज नॉट इन मनी मतलब आपका कंसिडरेशन नॉट वोनली इन मनी अब देखो पहली बात तो यहां समझ लो रूल ट्वेंटी सेवन तब अप्लाई होगा जब कंसिडरेशन है कंसिडरेशन है पर मनी में नहीं है इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट्स रहते है, रहते हैं हैं कि क्या जो पैरा केन के सॉरी शेड्यूल के जो चार पैरास विदाउट कंसिडरेशन वहां रूल ट्वेंटी सेवन अप्लाई होगा क्या? वहां नहीं अप्लाई होगा क्यों क्योंकि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल एजेंट वगैरह ये जो चार पैरास वहां कंसिडरेशन ही नहीं है तो वो सिचुएशन में रूल 27 अप्लाई नहीं होगा रूल 27 सेवन वहां अप्लाई होगा जहां कंसिडरेशन है कमन कमन जहां कंसिडरेशन है पर मनी में नहीं है काइंड में है अगर काइंड में कंसिडरेशन है तो फिर वो ट्रांजैक्शन का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा ए ओपन मार्केट वैल्यू अब देखो उन्होंने यहां पे मैकेनिज्म दिया है और चार मेथड्स इसमें दिए रूल 27 में अगर आपके ट्रांजैक्शन में अदर कंसीडरेशन होगा तो फिर आप लीजिएगा ओपन मार्केट वैल्यू दो डेफिनेशन यहां जीएसटी में दी है ओपन मार्केट वैल्यू और लाइक काइन एंड क्वालिटी ओपन मार्केट वैल्यू मतलब एग्जैक्टली सेम सप्लाई किसी और को किया हो ओके okay. आपने किया हो या मार्केट में चल रहा हो समझ लो मोबाइल है मोबाइल का यहां पे आईफोन uh, 12 है तो आईफोन 12 जो अगर मैं तो आपने सप्लाई किया हो या किसी और ने किया हो यहां ओपन मार्केट वैल्यू में किसी और का भी सप्लाई होगा तो वो वैल्यू ले आएगी पर एग्जैक्टली सेम सप्लाई होना चाहिए okay, और उसमें कोई अदर नहीं नहीं होना चाहिए और लाइक लाइक क्वालिटी मतलब एग्जैक्टली exactly सेम पर मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टाइप का सप्लाई किया हो डेफिनेशन आपने रीड कर लेना तो सबसे पहले वो कहते हैं ओपन मार्केट वैल्यू जब आप प्रॉब्लम सोल्व करते हो तो ये आपको सब दिया जाता है डोंट वरी इसलिए जब आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे मेरे साथ तो वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम देखोगे तो आपको सब डेटा दिया जाएगा ओपन मार्केट वैल्यू क्या है अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिलती है तो रूल कहता है कि डोंट वरी। ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिलती है तो आप वैल्यू वैल्यू ऑफ़ फेयर मार्केट ले लो। अब देखो, 27, दो में होता। एक, कि मुझे में मिला आर्किटेक्ट हो और मैंने और मुझे एक मिल गया. Totally मिला. या हो सकता है कि पार्टली इन मनी मिला और पार्टली अदर्स मिला कम ऑन पार्टली इन मनी है और पार्टली अदर्स है तो वो केस में सबसे पहले तो ओपन मार्केट वैल्यू जो मैंने आर्किटेक्ट सर्विस दी अगर यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही है तो जो मुझे मिला कंसिडरेशन जो मिला उसकी फेयर मार्केट वैल्यू समझ लो मुझे फ्लैट मिला तो फ्लैट की फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी या पार्ट में मनी मिला पार्ट पार्ट में कोई अदर मिला तो मनी मनी कंसिडरेशन इन मनी प्लस जो अदर मिला उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लिया जाएगा इन मनी उसके बाद में सी सी में ए और बी नॉट डिटरमाइनेबल अब समझ लो वो कहते हैं कि ओपन मार्केट वैल्यू में नहीं है और जो आपको मिला उसकी भी वैल्यूएशन करना पॉसिबल नहीं ये कब पॉसिबल है जब आपने जो सप्लाई किया उसके अगेंस्ट में टॉलरेंस मिलता है टॉलरेंस कंसिडरेशन है ओके एक्ट और टॉलरेंस आपको याद होगा ओके okay, या फॉरबियरेंस कंसिडरेशन है तो फॉरबियरेंस या कोई ऐसा आपको कंसिडरेशन मिला जिसकी फेयर वैल्यू भी निकालना मुश्किल है तो अगर ए और बी फेल हो जाते तो वो कहते फिर सी लो सी मतलब क्या सी मतलब वैल्यू ऑफ लाइक काइंड और क्वालिटी यानी जो आपने सप्लाई किया गुड्स का या सर्विस का उसके लाइक like जो सप्लाई होगा उसकी वैल्यू कंसिडर किया जाएगा और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो फिर ए बी सी

तीसरा लाइक काइंड और क्वालिटी okay, और चौथा ओके रूल थर्टी और किया जाएगा Now, exam के हिसाब से rule बहुत बहुत important है 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 ओके ओके और ये rule 28 जो है, ये जो क्या कहता या फिर रिलेटेड पर्सन ओके जब भी आपका सप्लाई डीम डिस्टिंग पर्सन का होगा या रिलेटेड पर्सन का होगा तो रूल ट्वेंटी सीधा लगाना इवन दो उसमें यहां पे टीवी हो या ना हो ओके okay, टीवी हो तो भी रिलेटेड होगा या रिलेटेड होगा टीवी तो एक्सेप्ट नहीं होती है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट हो okay, तो भी यहां रूल ट्वेंटी ही आपको लगाना पड़ेगा यानी जब जब भी मैटर डीडीपी का आएगा या रिलेटेड पर्सन का आएगा तो आपको ये रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा और इसके हिसाब से ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी नाउ पॉइंट क्या कहते हैं वो कहते हैं ओके ओपन मार्केट वैल्यू ले लो मतलब ऐसा ही आप सप्लाई किसी और को करते या किसी और ने मार्केट में किया होगा तो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू ले लो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सेकेंड वैल्यू ऑफ लाइक काइंड और क्वालिटी ले लो यानी जब भी आप स्टॉक ट्रांसफर करोगे अपने ही ब्रांच को या रिलेटेड पर्सन को सप्लाई करोगे तो यहां पे ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिलती है तो लाइक काइंड और क्वालिटी की जो वैल्यू रहेगी वो ले लो और तीसरा वो क्या कहते हैं इफ एवर बी नॉट डिटरमाइनेबल देन सप्लाई ओके रूल थर्टी थर्टी के हिसाब से डिटरमाइन किया जाएगा रूल थर्टी थर्टी वन के हिसाब से डिटरमाइन किया जाएगा इसमें जो दो प्रोविजो है ये दो बड़ी है और ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा पहली प्रोविजो ओके okay, अब प्रोविजो यानी क्या कि अगर ये स्पेशल सिचुएशन होगा तो आपको वैल्यूएशन इस तरह से करना पड़ेगा पहला सप्लाई इज एज सच बायसिपियन एट द ऑप्शन ऑफ सप्लाई फर्दर सप्लाई एज सच सॉरी

मतलब उसमें वो कोई एडिशन नहीं कर रहा है आपका गुड्स हो या सर्विस हो वो एज सच वैसे का वैसा फर्दर सप्लाई कर रहा है लेकिन लिखना है तो लिख सकते हो और ये दोनों प्रोविजो टू तो दोनों को अपलीकेबल है सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ प्रोविजो स्पेशली गुड्स को अपलीकेबल है तो जहां तक देखा जाए अगर आपने अपने ब्रांच को या रिलेटेड पर्सन को दिया और उसने एज इट इज फर्दर सप्लाई किया तो फिर एट ऑप्शन ऑफ सप्लायर अगर सप्लायर चाहे तो ओपन मार्केट वैल्यू बाजू में कर देगा लाइक like काइन और क्वालिटी बाजू में कर देगा यानी एबीसी अप्लाई नहीं करेगा वो क्या करेगा कि उसके जो रिसिपियंट है उसकी जो ब्रांच है या रिलेटेड पर्सन है उसने आगे में जितने में सेल किया होगा या वो सेल कर रहा होगा ओके okay, सेल कर रहा होगा सेम गुड्स उसके 90 परसेंट वैल्यू पे वो वैल्यूएशन कर सकता है ओके okay, तो एक बार फिर से आपने अगर आपके ब्रांच को दिया हो जो सेपरेटली रजिस्टर्ड है या रिलेटेड को दिया हो तो वो उस टाइप के गुड्स आगे सप्लाई कर, करता है एज सच तो उसका नाइन्टी परसेंट पर आप जो है वैल्यूएशन कर सकते हो अब जो वैल्यूएशन कर सकते हो नाउ प्रोविजो टू प्रोविजो टू दोनों को अपलीकेबल है सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ सर्विसेस ओके okay, अब ये प्रोविजो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये प्रोविजो क्या कहती है ये प्रोविजो ये कहती है कि अगर आपका रिसिपियन यानी आपकी ब्रांच जो डीडीपी है या फिर रिलेटेड वो फुल एलिजिबल फॉर आईटीसी है अब ये फुल एलिजिबल फॉर आईटीसी मतलब क्या मतलब अगर आपने जीएसटी लगाया तो पूरा का पूरा क्रेडिट ले सकता है मतलब ये है कि वो कोई एग्जाम सप्लाई नहीं कर रहा है वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा है मैं स्क्रीन पे नहीं आ रहा हूं बेटा, डोंट वरी ओके हेलो कैमरा बंद हो गया है जस्ट मिनट जस्ट मिनट चलिए तो यहां पे अगर उसके क्रेडिट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो गए ठीक है मतलब वो एग्जाम सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई नील रेट सप्लाई या जो भी रिस्ट्रिक्शन सप्ला है सप्लाई के वो, वो आई के वो उसके ऊपर नहीं हो तो फिर आप जो ये ओपन मार्केट वैल्यू पहला ऑप्शन ले रहे हो वो ओपन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिक्लेयर वैल्यू इन द इनवॉइस यानी आप इनवॉइस में जितना करोगे वो वैल्यू लिया जाएगा फिर आप एक रुपया डिक्लेयर करो दस रुपया करो पचास रुपया करो व्हाट एवर यूर डिक्लेयर वैल्यू वो लिया जाएगा इसलिए ओके बहुत सी बार जब प्रॉब्लम आते हैं रिलेटेड के या डीडीपी के तो आप ये पॉइंट अगर डायरेक्ट दिया होगा क्वेश्चन में तो आप लिख सकते हो कि या जो ओपन मार्केट वैल्यू आपको लेनी है वैल्यू वो वो वही रहेगी जो आपने इन में डिक्लेयर की है फिर वो एक रुपए से लेके तो करोड़ रुपए तक जो भी आप डिक्लेयर करोगे वो वैल्यू लिया जाएगा तो चलिए ये रूल ट्वेंटी एट है जिसमें ये दो प्रोविज़ो हमने देखा रूल ट्वेंटी नाइन सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट सबसे पहले तो मैं आपको कह दूके okay, अगर प्रिंसिपल एजेंट को स्टॉक ट्रांसफर करता है या एजेंट प्रिंसिपल के बिहार पे गुड्स सप्लाई करता है प्रिंसिपल okay, को तो वो जो यहाँ पे सप्लाई हो रहा है उस सप्लाई पे स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी तभी आएगा जब एजेंट इशूइंग ओन कम एजेंट इशूइंग ओन इन वॉयस अगर वो ओन इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है प्रिंसिपल का कर रहा है तो उसका तो जीएसटी प्रिंसिपल ही देगा तो वो केस में स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी नहीं आएगा तो स्पेशली रूल ट्वेंटी नाइन वहां अपलीकेबल है जो एजेंट इशूइंग ओन इन तो वो सिचुएशन में प्रिंसिपल ने एजेंट को जो स्टॉक ट्रांसफर किया है, या एजेंट ने प्रिंसिपल को जो स्टॉक ट्रांसफर किया उसका वैल्यूएशन कैसे होगा तो पहला ओपन मार्केट वैल्यू और या डायरेक्ट और ओके यहां ध्यान से देखिएगा दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो तो पहला ओपन मार्केट वैल्यू नहीं तो नाइनटी परसेंट ऑफ अनरिलेटेड कस्टमर तो नाइनटी परसेंट वैल्यू यहां पे ले सकता है ठीक है तो नाइन्टी परसेंट वैल्यू जो है वो यहां पे ले सकता है वे सच गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई बी हाँ, और अगर यहां पे ए पॉसिबल नहीं हुआ तो रूल थर्टी थर्टी वन अपलाई होगा तो यहां पे दो ही ऑप्शन है ओपन मार्केट वैल्यू या फिर नाइनटी परसेंट जो आपका एजेंट फर्दर सप्लाई कर रहा है उसका नाइनटी परसेंट वैल्यू भी आप ले सकते हो ओके तो ये था रूल ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट और रूल ट्वेंटी नाइन ओके हमने देखा उसके बाद में हम आते हैं रूल थर्टी और थर्टी वन पे अब रूल थर्टी थर्टी वन क्या कहता है देखिए और ये रूल कब अप्लीकेबल है रूल थर्टी और रूल थर्टी वन बता देता हूं देखिए आय आप ये तीनों रूल अगर आप देखते हो तो तीनों रूल में आखिरी में ये कहा गया है कि यस यहां पे अगर ए बी सी से वैल्यूएशन नहीं हुआ तो रूल थर्टी थर्टी वन में जाओ ओके okay, यानी ये हुआ कि अदर कंसिडरेशन है और ए बी सी फेल हो गए तो फिर थर्टी थर्टी वन में जाओ ट्वेंटी एट में ये सब कुछ फेल हो गया ए बी फेल हो गया दोनों प्रोविजो फेल हो गई तो रूल थर्टी थर्टी वन में जाओ या 29 में ओपन मार्केट वैल्यू और 90 परसेंट ऑफ लाइक काइंड और क्वालिटी आपको नहीं मिल रहा है तो रूल थर्टी थर्टी में जाओ तो आप थर्टी थर्टी में इस तरह से आ सकते हो प्लस कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां डायरेक्ट थर्टी थर्टी में आ जाओ ऑकी ऐसी सिचुएशन जहां रूल ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी अप्लाई ही नहीं होता है जैसा एग्जाम्पल के तौर पर Transfer, uh, uh, schedule one, schedule one ka para हो गए ओके okay, तो वैल्यूएशन इसमें कोई प्राइस ही नहीं है क्योंकि फ्री दिया हुआ है पर सप्लाई तो है उसके बाद में 27 सेवन ट्वेंटी सेवन अपलाई होगा कि नहीं अप्लाई होगा क्यों क्योंकि 27 वहां अपलाई होता है, है पर अदर्स में है ओके okay, यहां अदर यहां अदर नहीं था यहां तो कंसिडरेशन ही नहीं है शेड्यूल वन पैरा वन का है तो यहां कंसिडरेशन नहीं है तो ट्वेंटी सेवन अप्लाई नहीं होगा ट्वेंटी एट की अगर हम बात करें तो ट्वेंटी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये स्पेसिफिकली रिलेटेड ट्रांजेक्शन डीडीपी को अप्लाई होता है ट्वेंटी नाइन स्पेसिकली प्रिंसिपल और एजेंट को अप्लाई होता है तो वो सिचुएशन डायरेक्टली थर्टी थर्टी वन में आएगी तो इन सिंपल वर्ड ओके यहां से या फिर कोई सिचुएशन डायरेक्टली थर्टी थर्टी वन में आ सकती है इसलिए जब भी फ्री सप्लाई हो कम ऑन। जब भी फ्री सप्लाई प्रॉब्लम में दिया और आपने इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व किए तो फ्री फ्री सप्लाई, सोल्व दिया हो जिसका आईटीसी लिया हो और वो सप्लाई माना जा जा रहा है तो ऐसे सिचुएशन में थर्टी क्या कहता है थर्टी कहता है वैल्यूएशन कहता है ध्यान है। से सुनिएगा यहां पे जस्ट मिनट ये कहता है 110 परसेंट ध्यान से सुनिएगा 110 परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप ट्रेडर हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने जितने में प्रोड्यूस लिया था जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, of of है ये 4 के से निकाला जाएगा ओके जिसमें ओके जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हो तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस इंश्योरेंस एक्सपेंसिस नॉन

दर करनी है ठीक है तो ये हमने देखा अब रूल थर्टी वन क्या कहता है रूल थर्टी वन कहता है रेसिडियल मेथड और बेस्ट जजमेंट बाय यूजिंग रीजनेबल मींस ओके okay. अगर आपका वैल्यूएशन अर्ली रूल से नहीं हो रहा है तो आपको बेस्ट जजमेंट या रेसिडुअल मेथड भी आप कह सकते हो रीजनेबल बेसिस पे करना पड़ेगा कंसिस्टेंस विद द प्रिंसिपल्स एंड जनरल प्रोविजन प्रोविजन ऑफ ऑफ सेक्शन 15 एंड दिस चैप्टर यानी अभी तक की जो भी हमने प्रोविजन बताई है इस प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए इस प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए इनकी जनरल प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए आपको यहां पे रीजनेबल बेसिस पे वैल्यूएशन करना पड़ेगा और इनकेस ऑफ सप्लायर सर्विस सप्लायर में ऑप्शन में ऑप्शन फॉर रूल थर्टी वन ऑफ रूल

परिबल नहीं है इसलिए बहुत सी बार कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो स्किल टैलेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसकी वैल्यूएशन कैसे करे तो वो सिचुएशन में okay, ये नोट क्या कहती है रूल थर्टी वन के नीचे की वो कहती है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर को रूल uh, थर्टी से वैल्यूएशन नहीं करना है कॉस्ट बेस वैल्यूएशन नहीं करना है ओके okay, तो वो डायरेक्ट रीजनेबल बेसिस पे रूल थर्टी वन में वैल्यूएशन कर सकता है रीजनेबल बेसिस पे अभी कोई स्पेसिफिक केस स्टडी तो नहीं है लेकिन यस yes, ये ध्यान रखना कि रीजनेबल बेसिस पे वैल्यूएशन होगा तो इस तरह से हमने यहाँ पे ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन देख ली है ओके okay, फिर से कहो बेटा ये रिविजन है और ये फास्ट सुपर फास्ट रिवीजन है मैं सिर्फ सब्जेक्ट से कनेक्ट करके दे रहा हूं और मैं ये मानता हूं और आप भी फील कर रहे कि ये रिवीजन से से आप सब्जेक्ट इतने फास्ट कनेक्ट हो रहे हो कि यस मैं थोड़ा आपने रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन कर लिया ना तो आपका पूरा सिलेबस में खत्म कर दूंगा ओके ये मुझे पता है बस ओके जो मैं कह रहा हूं वो करो तो नाउ नेक्स्ट अब यहां पर आते हैं ये तो हमने रूल थर्टी देख लिया थर्टी टू रूल्स यहां मैंने साइड में लिया है थर्टी टू डिटेल में पढ़ेंगे वो उसके पहले हम ये रूल खत्म कर देते थर्टी थ्री थर्टी थ्री जो है प्योर एजेंट की बात करता है बहुत सी बार सर्विस प्रोवाइडर स्पेशली सर्विस प्रोवाइडर एक्सपेंसेस करता है एज अ प्योर एजेंट मतलब वो उसकी लाइबिलिटी नहीं है पर जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट ओके वो एक्सपेंसेस कर रहा है प्योर एजेंट जिसका रिइंबर्समेंट लेता है तो ऐसे केस में ओके okay, उसे डिडक्शन मिलता है वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं निकाला जाएगा ठीक है अब उसके बाद में बेटा ओके कंटेंट वही है ना कंटेंट वही है ओके जहाँ जहाँ पॉसिबल है हाँ वॉल चार्ट और ओके जो भी एडिशनल कंटेंट मुझे देना है ये चार्ट में मैं दे रहा हूँ ओके मैं कहाँ से नया बनाऊँ पूरे पॉइंट्स तो मैंने वही वो, वो लेना है मुझे और यहाँ पे फटाफट आपकी रिवीजन करना है ओके तो यहाँ मैं ये चैप्टर वाइज रिवीजन में जो चार्ट बुक बना रहा हूँ अब मैं फ्यूचर में आपको ये भी कह रहा हूं कि इसके बाद ये चार्टुक रिविजन ही रहेगी हमारी चैप्टर चा, वाइज चार्ट बुक रिविजन वॉल चार्ट रिविजन नहीं रहेगी वॉल चार्ट वॉल यानी आने वाले कमिंग अटेम में ओके वो तो ठीक है जो ऑलरेडी अपलोडेड आप देख सकते हो पर मैं आपको वो मैराथन रिविजन है वो यहां पूरे दिन भर में आप रिवाइज कर सकते हो लेकिन फ्यूचर आपको बता देता हूं कि हमारी चार्ट बुक रिविजन ही फ्यूचर रहेगा ठीक है तो समझ में चलिए उसके बाद में मैं आता हूं यहां पे डेफिनेशन ऑफ प्योर एजेंट और आपको पढ़ाई से कंसर्न रखो यार आपको क्या लेना देना है कि मैं इधर क्या ले रहा हूं उधर क्या ले रहा हूं आप पढ़ाई करो ना आपके लिए कर रहा हूं फ्री दे रहा हूं और क्या है चलिए डेफिनेशन ऑफ प्योर एजेंट ओके प्योर एजेंट यहां प्योर uh, एजेंट के अगर डिडक्शन हो गए तो वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी तो प्योर एजेंट जो है वो क्या कवर करता है पर्सन उसमें चार बातें आपको याद रखनी है प्योर एजेंट की ए बी सी और डी कौन सी चार बातें कि आप प्योर एजेंट तभी कहलाए जाओगे जब कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होगा रिसिपियन के साथ दूसरा ओके okay, आपने जो भी सप्लाई परचेस किया है उसका टाइटल नहीं रख रहे हो तीसरा ओके okay, आपने ओन इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं किया और चौथा जो है ओके रिसीव ओनली द एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड टू प्रोक्योर सप्लाई समझ लो समझ लो ए, एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरी वाइफ इंटीरियर डेकोरेटर है तो बहुत सी बार क्लाइंट कहता है कि मैडम ओके okay, आप हमारे लिए ये आर्टिकल खरीद लो ये सोफा खरीद लो हम आपको रिमबर्स कर देंगे अब आर्टिकल प्रोवाइड करना या सोफा प्रोवाइड करना मेरे वाइफ का काम नहीं है इंटीरियर डेकोरेटर का काम नहीं है उसका काम है डिजाइन देना उसका काम है डिजाइन देना तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए ध्यान से सुनिएगा ऐसे सिचुएशन में यहां पे डिजाइन के साथ साथ क्लाइंट के भी आप पे अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा किया जो मेरे सर्विस का पार्ट नहीं था ओके तो अगर ये चार कंडीशन फुलफिल होती है तो उसे प्योर एजेंट माना जाएगा और जब मैं अपने क्लाइंट से रिमबर्स करवाऊंगा पैसा मेरे बिल में ओके तो वो केस में मेरे वैल्यू में वो रिम्बर्समेंट का अमाउंट एड नहीं किया जाएगा वो रियम्बर्समेंट का अमाउंट ऐड नहीं किया जाएगा तो उसे ये चार कंडीशन फु, फुलफिल होनी चाहिए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए जो मैंने ओके फर्नीचर आर्टिकल जो भी खरीदा वो टाइटल मेरे नाम का नहीं क्लाइंट के नाम का इनवॉइस होना चाहिए इवन दो पेमेंट मैंने किया हो मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए मैं यूज नहीं कर रहा हूं और मैं अपने क्लाइंट से उतना ही ले रहा हूं जितना मैंने इनकर्ड किया है ठीक है तो चलिए अब देखो यहां पर अगर ये चार कंडीशन फुलफिल होती है तो प्योर एजेंट कहलाया जाएगा उसके बाद में

थर्ड पार्टी को पे करते वक्त एज अ प्योर एजेंट होना चाहिए दूसरा अमाउंट सेपरेटली शोन इन द इनवॉइस। जब वो क्लाइंट से पैसा रिमबर्स करवाएगा तो वो सेपरेटली बताएगा कि देखो भाई ये मेरा काम नहीं था और ये मैंने आपके ब्याह पे परचेस किया इसका पैसा वापस चाहिए और उसके बाद में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोक्योर्ड सप्लायर एज अ प्योर एजेंट आर इन एडिशन टू सर्विस विच ही प्रोवाइड्स ऑन हिस्स ओन अकाउंट मतलब क्या जो भी उसने गुड्स और सर्विस परचेस किया है ऑन द बी ऑफ क्लाइंट किसी भी तरह से उसके सर्विस का पार्ट नहीं होना चाहिए वो इन एडिशन टू सर्विस ऑन हिज ओन अकाउंट मतलब बहुत सी बार सीए सीए लॉजिंग बोर्डिंग ट्रेवलिंग जब ऑडिट करते तो उसका रिमबर्समेंट लेते थे

रेट ऑफ एक्सचेंज यानी जब अगर कोई बिल आपका जिस टीम फॉरेन करेंसी में होगा तो आप क्या रेट से कन्वर्ट करोगे अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स है तो आप सीबीआईसी यानी कस्टम्स एक्ट में जो सीबीआईसी रेट दिया है वो सीबीआईसी रेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा और अगर आपका सप्लाई ऑफ सर्विस है तो आपको गैप रेट यूज करना पड़ेगा जो प्रॉब्लम में दिए जाएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि, कि किस दिन के रेट लिए जाएंगे कमा कम ऑन किस दिन के रेट लिए जाएंगे तो बेटा ओके okay, जो आपका आता एज पर सेक्शन ट्वेल्व और 13, okay, उस दिन के रेट लिए जाएंगे जिस दिन आपका TOS आएगा और वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अगर आपने में सेपरेट जीएसटी चार्ज नहीं किया तो आपकी वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा ठीक है चलिए तो यह हमने देख लिया यहां पे वैल्यू विच इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी डन

इज एज नोटिफाइड इन ऑफिशियल गेजेट बाईनाइजिंग स्टेट विचेवर इज हायर विचेवर इज हायर मतलब क्या लॉटरी की एक तो फेस वैल्यू होती है या गवर्नमेंट कंट्रोल वैल्यू होती है गवर्नमेंट नोटिफाई करता है तो फेस वैल्यू या गवर्नमेंट नोटिफाइड वैल्यू इसमें से जो हायर होगा हायर होगा समझ लो उसकी फेस वैल्यू है हंड्रेड और गवर्नमेंट नोटिफाइड वैल्यू हंड्रेड एंड टेन तो हायर क्या है हंड्रेड एंड टेन तो हंड्रेड एंड टेन इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन ट्वेंटी एट टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी एट मतलब इसका एक मैसेज है और वो मैसेज क्या है ओके okay, मैसेज ये है कि यहाँ पे लॉटरी की वैल्यू ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कंसिडर होगी कमान कमान कमॉन लॉटरी की वैल्यू ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कंसिडर की जाएगी ठीक है uh, उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्शनबल क्लेम इन दम ऑफ अगर आपका एक्शनेबल क्लेम बेटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेसिंग होगा तो वैल्यू 100 परसेंट फेस वैल्यू ऑफ बेट और अमाउंट ऑफ गैम्बलिंग लिया जाएगा मतलब ये कि लॉटरी होगा तो इंक्लूसिव लिया जाएगा बस इतना लॉजिक याद रखो और बाकी कुछ होगा तो इंक्लूसिव नहीं जो भी उसकी फेस वैल्यू ऑफ बेट होगी फेस वैल्यू ऑफ गैम्बलिंग होगी टोटल की फेस वैल्यू होगी ओके okay, यहां पे तो जो आपने टोटल को पे किया उसकी फेस वैल्यू होगी तो वो टोटल वैल्यू इन 28% लिया जाएगा पर लॉटरी के केस में इंक्लूसिव लिया जाएगा चलिए ये हमने देखा चलो अब रूल 32 फटाफट देख लेते हैं रूल 32 में कुछ स्पेशल सिचुएशन है जहां आप वैल्यू अलग तरह से निकाल सकते हो तो इसमें 32 2 क्या कहता है परचेस एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी पहले तो मैं आपको ये बता दूं ओके अगर आपका ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी होगा ओके okay, तो जो मनी एक्सचेंज होगा वो तो ट्रांजेक्शन इन मनी है पर उसका जो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज करोगे वो तो सर्विस है सर्विस के डेफिनेशन में आता है तो ये yes, जो सेपरेट कंसिडरेशन आप चार्ज कर रहे हो फॉर कन्वर्जन ऑफ मनी ओके उसके ऊपर जीएसटी आता है गवर्नमेंट ने उसके लिए दो ऑप्शन दिए और ये अच्छे से पढ़ के जाना इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हो ऑप्शन वन और ऑप्शन टू ओके अब एग्जाम में जब प्रॉब्लम आएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ओके okay, यहां पे ध्यान रखना कि हमें कौन से ऑप्शन से सॉल्व करना है ठीक है चलिए अब नेक्स्ट बेटा जहां तक देखा जाए तो यहां ऑप्शन वन ऑप्शन वन हम बात करें तो uh, अगर कोई बंदा फॉरेन करेंसी को रूपीज में कन्वर्ट कर रहा है और दूसरा फॉरेन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर रहा है ध्यान से सुनना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो दिए क्वेश्चन है उसमें वो भी सॉल्व कर लेना अगर फॉरेन करेंसी टू रूपीज में कन्वर्ट कर रहा है तो उसमें भी दो पार्ट आरबीआई रेफरेंस रेट ऑफ दैट फॉरेन करेंसी इज अवेलेबल जो फॉरेन करेंसी रुपीज में कन्वर्ट हो रही है उसका आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो बहुत सिंपल है और जो डीलर की प्राइस है मे बी सेलिंग प्राइस या बाइंग प्राइस जो भी डीलर की प्राइस है माइनस मानि, आरबीआई बेस रेट तो इन ओके जितने यूनिट यु, ऑफ करेंसी एक्सचेंज किया समझ लो हंड्रेड डॉलर है और आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो आर रेफरेंस रेट यहां पे जो है डॉलर सेवेंटी फाइव है ओके okay, तो डॉलर सेवेंटी फाइव और डीलर रेट डॉलर सेवेंटी सिक्स है तो दोनों का डिफरेंस वन डॉलर हुआ इनटू आपके पास हंड्रेड डॉलर है जो जो आएगा उसके वो वैल्यू मानी जाएगी और उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा ठीक है ये तो सिंपल है अगर मनी चेंजर यहां पे जीएसटी लगा रहा है तो इस तरह से लगा सकता है अगर वो फॉरिन करेंसी टू रुपीज में है और आर रेफरेंस रेट ऑफ दैट फॉरिन करेंसी अवेलेबल नहीं है कोई तालिबान करेंसी है कोई भी करेंसी होगी जिसका आर रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो फिर ओके okay, जिस जो भी मनी चेंजर ने एक्सचेंज करके दिया होगा कम मो जो भी मनी चेंजर ने एक्सचेंज करके दिया होगा तो वन परसेंट ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज यानी आपको एक्सचेंज में जो रुपीज दिए हैं आपको एक्सचेंज में जो रुपीज दिए हैं या रुपीज लिए हैं तो वो जो रुपीज एक्सचेंज करके दिए वो रुपीज का वन परसेंट वैल्यू मानी जाएगी और इस पर एटीन परसेंट का जीएसटी आएगा ये मैं वैल्यू बता रहा हूं वैल्यू मानी जाएगी अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है सेकेंड ऑप्शन अगर आप फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी कन्वर्ट कर रहे हो ठीक है तो फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी कन्वर्ट कर रहे हो जैसे डॉलर देके यूरो ले रहे हो या यूरो देके डॉलर ले रहे हो तो वो सिचुएशन में दोनों को कन्वर्ट करो आरबीआई रेफरेंस रेट से रुपीज में यानी ओके हंड्रेड okay, डॉलर देखे नाइनटी यूरो हंड्रेड तो डॉलर का आरबीआई रेफरेंस रेट रुपीज में क्या है और नाइन्टी यूरो का आरबीआई रेफरेंस रेट रुपीज में क्या है और जो दोनों का लोअर होगा सुनो जो दोनों का लोअर होगा उसका वन परसेंट यहां पर लिया जाएगा यानी दोनों करेंसी जितने भी यूनिट्स कन्वर्ट किए हैं ओके वो यूनिट रुपीज में कन्वर्ट करो उसका वन परसेंट ले लो ये तो ऑप्शन वन है जहां ओके मनी चेंजर जो है या फॉरेन एक्सचेंज डीलर जीएसटी कितने वैल्यू पे लगाएगा लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ ये ऑप्शन भी अच्छा है ध्यान से देखिएगा ऑप्शन टू क्या दिया है कि मनी चेंजर को अपने इनवॉइस में ये उसका डिफरेंस नहीं बताना है क्योंकि उसका डिफरेंस बता दिया तो उसका कमीशन पता चल जाता है तो फिर ओके okay, गवर्नमेंट ने दूसरा ऑप्शन दिया है कि वो क्या कर सकता है अगर उसकी एक्सचेंज वैल्यू अप टू वन लैख होगी ध्यान सुनिएगा अप टू वन लैख होगी एक्सचेंज वैल्यू अप टू वन लैख होगी मतलब जितने भी वो कन्वर्ट करके दे रहा है यहाँ पे सौ डॉलर हजार डॉलर जो भी कन्वर्ट करके दे रहा है तो टू वन लैख होगी तो जो एक्सचेंज वैल्यू आएगी ओके समझ लो एक्सचेंज वैल्यू डॉलर में कन्वर्ट करके दिया और आपकी एक्सचेंज वैल्यू फोर्टी थाउजेंड आई तो फोर्टी थाउजेंड ओके इसका वन परसेंट और टू फिफ्टी विच एवर इज यहां पे हायर फोर्टी थाउजेंड का 1%, 400 और टू फिफ्टी जाए टू फिफ्टी के नीचे अगर होता है आई रिपीट टू फिफ्टी के नीचे होता है तो वो सिचुएशन में मिनिमम टू फिफ्टी तो लिया ही जाएगा ठीक है, ये तो हुआ। क्या है? अगर आपकी एक्सचेंज वैल्यू मोर देन वन लैख बट बिलो टेन लैक्स है यानी एक्सचेंज वैल्यू एक लाख से ज्यादा है पर दस लाख से कम है दस लाख से कम है तो अब वो या क्या कहते हैं वो कहते हैं कि वन थाउजेंड 1000 प्लस यानी वैल्यू कितना होगा प्लस okay, कि पहले वन लाख के एक हजार फिक्स हो जाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा होगी समझ लो एक्सचेंज वैल्यू नाइन लैख्स है नाइन में से वन लाख निकाल दो नाइन में से वन लैख निकाल दो क्योंकि उसका वन थाउजेंड हम फिक्स ले रहे हैं ओके okay, तो अब बचा कितना 8 ,00, 8 ,00 का लिया जाएगा। और ऐसे ही वो एक्सचेंज वैल्यू अब कहते हैं फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड कैसे आया तो पहले एक लाख ,00 का एक हजार प्लस आगे के नौ लाख ,00 का पॉइंट फाइव यानी चार हजार पांच सौ ओके तो ये हुआ फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके प्लस तो जो दस लाख के ऊपर जितनी अमाउंट होगी कमोन कमोन दस लाख के ऊपर जितनी अमाउंट होगी समझ लो आपकी एक्सचेंज वैल्यू पंद्रह लाख है तो 15 10 क्योंकि 10 का हमने ले लिया तो यहां पे पे 15 यानी का यहां 0.1 लिया जाएगा पर मैक्सिमम आपकी वैल्यू 60,000 होगी उससे ज्यादा नहीं होगी ओके उससे ज्यादा नहीं होगी तो ये यहां पे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज पे दो ऑप्शन दिए वो आपने देख लेना उसके बाद में अगर एयर ट्रेवल एजेंट होगा ओके ट्रेवल एयर ट्रेवल एजेंट होगा एयर ट्रेवल एजेंट जो अपना कमीशन लेता है तो उसका कमीशन देखो कैसे फिक्स किया गया सेकंड सिचुएशन अगर वो डोमेस्टिक बुकिंग करता है तो जो भी फ्लाइट का बेसिक फेयर होगा उसका 5 और वो इंटरनेशनल बुकिंग करता है तो जो भी फ्लाइट का बेसिक फेयर होगा उसका दस परसेंट और बेसिक फेयर मींस एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज पेबल टू एयर ट्रेवल एजेंट इट डज नॉट इंक्लूड्स अदर चार्जेस एंड टैक्सेस ख्याल रहे जो भी एयरलाइन कंपनी फ्यूल चार्जेस लगाती है वो नहीं लेना टैक्सेस लगाती है वो नहीं लेना आपको सिर्फ बेसिक फेयर जो होगा उसका डोमेस्टिक बुकिंग केस में फाइव परसेंट और इंटरनेशनल बुकिंग के केस में यहां पे टेन परसेंट लिया जाएगा उसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ख्याल रहे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड उन्होंने एक ऑप्शन दिया वैल्यूएशन का अगर आपकी सेविंग पॉलिसी होगी सिंगल एन्यूटी पॉलिसी होगी और रिस्क पॉलिसी होगी सबसे पहले तो मैं ले लू अगर आपकी रिस्क पॉलिसी होगी तो आपका टोटल जो 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 प्रीमियम प्रीमियम है 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 ग्रॉस उस टैक्स आएगा यानी ये बेनिफिट वैल्यूएशन का मैं बताने वाला हूं वो नहीं मिलेगा रिस्क पॉलिसी को वहां टोटल जो प्रीमियम है उस पर आएगा अगर आपकी सिंगल एन्यूटी पॉलिसी होगी तो टेन ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज वो लिया जाएगा लेकिन अगर आपकी सेविंग पॉलिसी होगी सेविंग पॉलिसी मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपने जो भी प्रीमियम दिया उसका कुछ फंड सेविंग करती है तो इसमें दो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट और सेविंग इंटीमेटेड टू पॉलिसी होल्डर ओके तो डाउनलोड एरो मतलब क्या होता है बहुत सी बार जब पॉलिसी निकालते हैं जैसे मैं मैं यहां पे अपने दस इंप्लॉय की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि नहीं दस इंप्लॉय की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल रहा हूं जो भी मैं प्रीमियम दूंगा मुझे बताओ इंटीमेट करो कि इसमें कितना सेविंग है और कितना टूवर्ड रिस्क है तो बहुत सी यहां पे इंश्योरेंस कंपनी ओके बहुत सी इंश्योरेंस कंपनी जो है ओके ये इंश्योरेंस कंपनी यहां पे यस आपको अलग बताती है कि सेविंग कितना है अगर वो आपको सेविंग या इन्वेस्टमेंट बता रही है सेविंग या इन्वेस्टमेंट बता रही है तो जो ग्रॉस प्रीमियम माइनस इन्वेस्टमेंट करके जो डिफरेंस आएगा वही आपकी वैल्यू मानी जाएगी और उसके ऊपर जीएसटी आएगा अगर वो डिफरेंस नहीं बताती है बहुत सी बार नहीं बताती कि नहीं सर डिफरेंस नहीं बताएंगे आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं बताएंगे तो फिर लॉ ये कहता और ये वाला इंपॉर्टेंट है अगर वो डिफरेंस नहीं बता रहा है तो फिर आपके फर्स्ट प्रीमियम का वैल्यू माना जाएगा ट्वेंटी फर्स्ट प्रीमियम की वैल्यू मानी जाएगी 25 परसेंट और इसके आगे के जितने भी प्रीमियम होंगे गए प्रीमियम की वैल्यू मानी जाएगी ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट सेकेंड हैंड सब्सिकीमियम ट्वेल्स परसेंट माना जाएगा एंड इफ दिस ऑप्शन एक्सरसाइज इट कैन बी विड्रॉन इन सेम फाइनेंशियल ईयर यानी इंश्योरेंस कंपनी अगर ये ऑप्शन ले रही है तो सेम पूरे फाइनेंशियल ईयर में यही ऑप्शन कंटिन्यू रखना पड़ेगा चलो ये हमारा हो गया जहां तक देखा जाए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी

पर आप तो जीएसटी नहीं लगा सकते समझ लो आपने जब बेची तो आपने में जीएसटी नहीं लगाया क्योंकि वो तो बंदा था जीएसटी नहीं लगाया अब उसने आगे ये एक दस हजार में बेच दी एज्यूम करो कि एक लाख दस हजार में बेच दी तो लॉ ये कहता है कि यहां पे ये जो सेकेंड हैंड डीलर जो आई जो सी नहीं ले रहे हैं है। और ये सेकंड डीलर आप कितने वैल्यू पे जीएसटी देंगे तो ये मार्जिनल वैल्यू पे जीएसटी देंगे ये मार्जिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे तो जो उनकी सेल प्राइस है एक लाख दस हजार माइनस एक लाख डिफरेंस कितना आया दस हजार तो यहां पे मार्जिनल वैल्यू आएगी दस हजार और ये दस हजार पे ही जीएसटी लगाया जाएगा वॉट इज द रेट दस हजार जीएसटी लगाया जाएगा लेकिन अगर ये वैल्यू निगेटिव हो जाती है निगेटिव मतलब क्या अगर उसने सेल नाइनटी में किया और उसकी परचेस वैल्यू कितनी है एक लाख तो निगेटिव तो वो जीरो वैल्यू पे जीएसटी देगा

उसके बाद में वो बंदे ने ये बाइक फाइनेंस पे ली थी बजाज फाइनेंस से ये सेकेंड हैंड डीलर नहीं है बजाज फाइनेंस से ली थी अब वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया अगर इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया तो ये बाइक रिप्रोजेस हो गई आई रिपीट ये बाइक रिप्रोजेस हो गई यानी बजाज फाइनेंस कंपनी ने बाइक अपने हाथ में ले ली क्योंकि वो बोरोवर ओरिजिनल बोरो इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया अब जहां तक देखा जाए ख्याल रहे ओके तो ओरिजिनल बोरोवर जो है यहां पर ओके okay. उसने परचेस नहीं किया ओरिजिनल बोरो को उसने परचेस नहीं किया है उसने रिपर्जेस कर लिया तो परचेस वैल्यू नहीं मिलेगी और वो आगे बेच रहा है वो आगे यहां पे बेच रहा है तो अब ऐसे सिचुएशन में ओके okay, इसकी परचेस वैल्यू कैसे निकाला जाएगा अगर ये अनरजिस्टर्ड बंदे से खरीद रहा है ये इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्जेस किया गया और अनरजिस्टर्ड से किया गया तो अपनी परचेस वैल्यू कैसे निकाला जाएगा तो वो कहते हैं ओरिजिनल बोरोवर की बेस प्राइस विद जीएसटी नहीं ओरिजिनल की बेस प्राइस यानी एक लाख रुपए परसेंट पर क्वार्टर डिडक्ट किया जाएगा और ये क्वार्टर कब से निकाला जाएगा ओरिजिनल बायर ने जब परचेस किया ने पंद्रह दिसंबर को टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल आई रिपीट टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल बाय बजाज फाइनेंस ओके तो यहां पे क्वार्टर निकाले जाएंगे और ये कैलेंडर क्वार्टर हो ख्याल रहे ओके okay, अगर मैंने आपको कोई क्लास में बताया होगा कि ये डेट टू डेट क्वार्टर हो गए नहीं ये कैलेंडर क्वार्टर हो गए थोड़ा यहां समझ लो डेट टू डेट ओके क्योंकि आईसीआई ने क्लैरिफाई कर दिया डेट टू डेट क्वार्टर और कैलेंडर क्वार्टर में क्या फर्क है डेट टू डेट क्वार्टर और कैलेंडर क्वार्टर में फर्क देख लो थोड़ा ये डिफरेंस समझ लो डेट टू डेट क्वार्टर मतलब पंद्रह दिसंबर पंद्रह दिसंबर 2020 से लेके टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल टिल द डेट ऑफ रिपोजेस नहीं टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल यानी 20 सितंबर 20 सितंबर 2021 तो डेट टू डेट क्वार्टर कैसे निकलते हैं ओके यानी 15 दिसंबर से जनवरी जनवरी से फरवरी फरवरी से मार्च ओके तो एक क्वार्टर हुआ 15 मार्च तक एक quarter, 15 दिसंबर से जनवरी जनवरी से फरवरी फरवरी से मार्च 15 मार्च का एक क्वार्टर हुआ मार्च से लेकर अप्रैल अप्रैल से लेकर मई मई से लेकर जून 15 जून को दो क्वार्टर हुए ओके जून से लेके जुलाई जुलाई से लेकर अगस्त अगस्त से लेके सितंबर तीन क्वार्टर हुए okay, तो और चौथे क्वार्टर का पांच दिन हुआ ऐसे चार क्वार्टर चलो यहां चार क्वार्टर हुए पर डेट पर डेट टू हुए चार क्वार्टर हुए पर डेट टू डेट हुए ठीक है क्योंकि पांच दिन एक्स्ट्रा हुए कैलेंडर क्वार्टर ऐसे नहीं निकाले जाते कैलेंडर क्वार्टर निकाला जाता है ओके क्वार्टर आपका लिया जाता है अप्रैल ओके okay, यानी फिनेंशियल अप्रैल से लेके अप्रैल में जून ये एक क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर तो इसने परचेस कौन से क्वार्टर में किया था तीसरे कैलेंडर क्वार्टर में किया था यानी सॉरी हां अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो अक्टूबर टू दिसंबर ये क्वार्टर क्या उसका पहला क्वार्टर माना जाएगा फिर जनवरी फरवरी मार्च ओके ये उसका दूसरा क्वार्टर माना जाएगा अप्रैल में जून ये उसका तीसरा क्वार्टर माना जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर ये उसका चौथा क्वार्टर माना जाएगा यहां पे भी चार क्वार्टर हो रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे भी चार हुए लेकिन आपको बता दूं अगर ये डेट 20 नहीं होती ये डेट 10 10 सितंबर ही होती तो फिर फर्क पड़ जाता क्योंकि 10 सितंबर होती तो यहां तीन ही क्वार्टर होते तीन ही क्वार्टर पांच दिन बढ़ गए सॉरी दस दिन बढ़ गए इसके वजह से वहां एक क्वार्टर बढ़ गया ये तीन ही क्वार्टर होते हैं लेकिन कैलेंडर क्वार्टर में चार क्वार्टर होते हैं ओके अगर आप ध्यान से देखो तो कैलेंडर क्वार्टर में चार क्वार्टर होते हैं समझा तो ठीक है तो इसलिए अभी आईसीए का क्लैरिफिकेशन आ गया जो भी अगर मैंने कोई रेगुलर बैच में आपको डेट टू डेट क्वार्टर कहा होगा तो वो रिप्लेस कर दो आपको कैलेंडर क्वार्टर लेने हैं आई रिपीट आपको कैलेंडर क्वार्टर लेने हैं तो चलिए ओके okay, तो फाइव परसेंट पर क्वार्टर आपको रिड्यूस करना पड़ेगा और परचेस वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो देखिए वो क्या कहते हैं टेकन टेकन ऑन परचेस ऑफ सच गुड्स और आई टी सी इज टेकन सॉरी आई टी सी इज नॉट टेकन एंड आई टी सी टेकन आईटीसी लिया होगा तो फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू जितने में बेचोगे उस पर जीएसटी आएगा आईटीसी नहीं लिया होगा तो मार्जिनल वैल्यू पे आएगा मार्जिनल वैल्यू पे आएगा अगर आपने आप सेकेंड हैंड गुड्स के डीलर हो और आपने आईटीसी नहीं लिया होगा तो सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस ओके okay, अगर नेगेटिव आई तो इग्नोर करना पड़ेगा और आपके रिप्रजेस गुड्स हो गए फ्रॉम डिफॉल्टिंग बोरोवर जो अनरजिस्टर्ड है तो आपकी परचेस प्राइस कैसे निकाली जाएगी क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस तो आपकी परचेस प्राइस कैसे निकाली जाएगी तो परचेस प्राइस ऑफ डिफॉल्टिंग बॉरोवर यानी ओरिजिनल बॉरोवर की परचेस प्राइस माइनस फाइव परसेंट ईच क्वार्टर ऑफ आट दे रहा बिटवीन डेट ऑफ परचेस ऑफ डिफॉल्टिंग बोरोवर टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल और ये कैलेंडर क्वार्टर लिए जाएंगे ये कैलेंडर क्वार्टर लिए जाएंगे उसके ठीक है तो ये हमने देखा थर्टी टू फाइव डीलर्स और रिपोर्जे गुड्स के लिए चलिए दोस्तों अब मैं आगे यहां पे लेता हूं अगर वाउचर आपको याद है वाउचर पे कूपन पे टैक्स आता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी तो मनी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड्स अगेंस्ट रेडी में वाउचर मतलब क्या जो वाउचर पे हमने टाइम ऑफ सप्लाई में देखेंगे कि वाउचर पे जीएसटी आता है उसका ट्यूएस आइडेंटिफाइबल और नॉन आइडेंटिफाइबल के बेस पे होता है तो ऐसे केस में जो आप गुड सप्लाई कर रहे हो या जो आप सर्विस अप्लाई कर रहे हो उसकी वैल्यू वाउचर की वैल्यू मानी जाएगी और थर्टी टू सेवन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्पेशली डीम डिस्टिंग पर्सन के केस में अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करती है तो वैल्यू नील ली जाएगी तो चलिए इस तरह से हमने यहां पे सारे रूल्स अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं आई होप आप कनेक्ट हो गए होंगे सब्जेक्ट से और सारा कुछ डिस्कशन हमने यहां पे कर लिया है डन बेटा मजा आया ओके okay, अगर आपको आज का रिवीजन अच्छा लगा होगा तो ठोको ठोको लाइक ओके okay, तो यस बेटा आप जितना यहां पे एक्सप्रेस करोगे कि आपको इसका बेनिफिट हुआ उतना सारे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट होगा और ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अरे भाई मजा आया कि नहीं आया चलिए अब फटाफट अगर आपको टाइम मिलता है तो एक दो घंटा क्वेश्चन देख लो ओके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो चलो बेटा तो आ, नेक्स्ट सेशन होगा कल होगा सेशन जिसमें हम पूरा टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो डिस्कस वो डिस्कस करेंगे